सम्माननीय सगाजनों को सादर सेवा जोहार और गुणवाना दर्शन के संपादक मंडल को मेरा सेवा जोहार और आज मुझे एक महान पत्रिका के तहत बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है और मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ कि इतनी बड़ी पत्रिका के बैनर तले मैं बोल रहा हूँ। जैसा कि सब विदित है कि मेरा जो विषय है कि गोंडी लोक कला और हमारे जो गोंडी अधिनियम या गोंड गिरान के बारे में मैं जानकारी दूंगा। मैं कोई विद्वान तो नहीं, बस एक छोटा सा समाज का कार्यकर्ता हूँ और यूं ही आज आप सभी लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त दर्शकों, समस्त जनजाति समुदाय के सम्माननीय प्रबुद्ध धर्मेश हितैषी सगाजनों नेगियों को मैं सत सत सेवा जोहार करता हूँ और आज मैं अपनी बात को प्रारंभ करने के पहले मैं समस्त हमारे पेन पट्टाओं का और हमारे जो इष्ट पुरखों का सम्मान मैं गुंडी पाटा से करना चाहूंगा। मुझे संगीत के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं प्रयास करते रहता हूं ताकि हमारे सगाजन से जितना प्रेरित हो सके, मेरे से जितना बनता है मैं करते रहता हूं। मैं थोड़ा सा तो लीजिए सगाजनों, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले मेरा परिचय, मैं फूल सिंह मरावी और भेल भोपाल में कार्यरत हूँ और मूलतः बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के बैहर तहसील के गढ़ी क्षेत्र से हूँ, जहाँ से हमारे पुनसाय दादा ताराम जी थे, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। आज सब लोगों का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है और मैं प्रेरित होते रहता हूँ और आज अपनी बात आप लोगों के सामने परीक्षा के तौर पे रखूँगा। मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं करूँगा, एक परीक्षा है मेरे लिए और इस परीक्षा में मैं पास होता हूँ यो तो आप लोग तय करेंगे। तो लीजिए सगाजनों, मैं एक हमारी जो पारंपरिक गुंडी ताल है, सुर है, उसके तहत अपनी पाटा को मैं रख रहा हूँ। वासी कुन मोर लेंगे ते पलना
ते ही हुन वारी ना इरसी कुनु को या विडार को या पुनेम ते इरजी बिखरे करे हरे नाम रे ना हरे नाना तरे हरे नाम रे नाना तरे हरे नाम रे ना हरे नाना तरे हरे नाम रे नाना तरे हरे नाम रे ना हरे नाना तरे हरे नाम रे नाना तरे हरे नाम रे ना हरे नाना तरे हरे नाम रे नाना तरे हरे नाम रे ना हरे नाना हरे नाम रे ना हरे नाम रे ना लूटे अड़ोंते केंजे वाड़े सबुरो को या विडारिगा ना लूंगड़ोंते केंजे वाड़े सबुरो को या विडारिगा निंड गुणवाना दर्शन मांदी मंदा सेवा जो हारेगा सबे कुन सेवा जो हार गा कोया मोतले सेवा जो हारेगा सबे कुन सेवा जो हार गा कोया मोतले सेवा जो हारेगा विद्या दाई का सेवा सेवा पुरवाना ले ता सेवा गा पुरवाना ले ता सेवा गा फला पेनिता सेवा परसा पीनिता सेवा गा परसा पीनिता सेवा गा सेलर पीनिता सेवा सेवा गंगर पीनिता सेवा गा गंगर पीनिता सेवा गा मावा ना सला गंगेरा सेवा जो हारेगा मावा ना सला गंगेरा सेवा जो सेवा जो हार गोया सेवा जो हारेगा सभी कुल सेवा जो हार गोया जुगतल सेवा जो हारेगा मुला शंभु सेवा सेवा पांडी बाबाना सेवा गा पांडी बाबाना सेवा गा रहता दाईना सेवा सेवा कली कंकालीना सेवा गा कली कंकालीना सेवा गा मीरा सोमाना सेवा सेवा डोमल पेनना सेवा गा डोमल पेनना सेवा गा हीरा सुखा पाटलीर बबाना सेवा जो हारेगा हीरा सुखा पाटलीर बबाना सेवा जो हारेगा मीकुन सेवा जो हार मुखवा सेवा जो हारेगा मीकुन सेवा जो हार गमतुआ मीकुन सेवा जो हारेगा सही सियाने सेवा सेवा नेलंग नीना सेवा गा नेलंग नीना सेवा गा मुरल पेनिता ना लूटे अड़ते केंजे वाड़े सबुरो को या निडारेगा ना लूंगड़ोंते केंजे वाड़े सबुरो को या निडारेगा निन गुणवाना दर्शन मांदी मंदा सेवा जो हारेगा निन गुणवाना दर्शन मांदी मंदा सेवा जो हारेगा सबे कुल सेवा जो हार गोया सेवा जो हारेगा सबे कुल सेवा जो हार गोया मतल सेवा जो हारेगा सबे कुल सेवा जो हार गोया मतल सेवा जो हारेगा
विष्णु सेवा जो हार गोया भोतल सेवा जो हारेगा भोतल सेवा जो हारेगा भोतल सेवा जो हारेगा। आप धन्यवाद सगजनों, ऐसे छोटे छोटे गीतों के माध्यम से मैं प्रयास करते रहता हूँ, शायद पसंद आया होगा आप लोगों को, और बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो सगजनों, आज जो हम बात करेंगे हमारे जो गोंडी लोक कला है उसके बारे में, और मैं जो बात करूंगा कोई नया बात नहीं है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन आज उन कलाओं के माध्यम से जिन भी हमारे कलाकारों ने, विद्वानों ने हमारे कलाओं को हम तक पहुंचाया है, दुनिया तक पहुंचाया है, उन सभी हमारे इष्टों को हम आज यहाँ पे याद करेंगे। सगजनों, गोंड समुदाय में कला का विशेष महत्व है। क्यों कहें कि कला यदि ना हो तो गोंडी समाज में एक निरस्ता का भाव आ जाएगा। आज कला हमारे रग रग में बसा है, और इसका जीता जाता उदाहरण हम सिंधु घाटी के सभ्यता में जो हमारे पुंसाय दादा मोतीराम गंगाली जी के जो किताब है सैंधवी लिपि का गोंडी में उद्वाचन, उसमें जो हम देखते हैं कि प्रतीकों के माध्यम से, कुछ चित्रों के माध्यम से, कुछ रंगों के माध्यम से, और हमारे जो गायन है, वादन है, और एंदीना हमारा जो मिजान है, उनके तहत समाज को हमेशा प्रेरित करने के लिए ऐसी कलाओं का निर्माण किए हैं जिससे हम सब प्रेरित होते हैं, और इस समुदाय में जन्म लेने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज हम गोंडी समाज की बात करें कि हर जगह पग पग में एक कला है। आज भली एक व्यवहार में होने के वजह से वो हमें समझ में नहीं आते, लेकिन आज धीरे धीरे काफ़ी कुछ विद्वानों के माध्यम से जो हमारे गोंडी कला को हम सब लोगों के बीच में रखे हैं, और आज हम सब लोग उन कलाओं को जानकर, सुनकर या मानकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सगजनों, जब लिखने पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं रही होगी तो हमारे लोगों ने समाज को जागृत करने के लिए, प्रेरित करने के लिए भिन्न भिन्न तरीके के कलाओं का
ईजाद किए और आज हमारे बीच में प्रतीक के रूप में उन कलाओं में कोई ना कोई व्यवस्था छुपा है, कोई ना कोई रहस्य छुपा है। आज हमें उनको, उन सभी कलाओं को जानना है और हर बच्चा समाज का जाने और इन कलाओं के माध्यम से उन समस्त नेगियों की मैं बात करूंगा कि जिन्होंने इन कलाओं का ईजाद किया। आज यदि हम कोयापुनेम से, कोयापुनेम के संरचना से नेगियों को हटा दें तो कोयापुनेम का कोई अस्तित्व नहीं है। आज हर जगह बातें हो रही हैं, लेकिन मैंने महसूस किया कि हमारे जो नेगी हैं जिन्होंने खूबसूरत कोयापुनेम को बनाया है, आज उनकी चर्चा, उनके पुरखों की चर्चा और उनके द्वारा जो बनाए गए कलाकृतियों की बात मैं करूंगा। उसके पहले जो विद्वानों का जो मत है, चूंकि भाषा में यदि हम बोलते हैं तो उसका अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हम एक हिंदी में बात कर रहे हैं तो हमें आज जरूरत है एक परिभाषा कि हम लोक कला किसे कहेंगे। यानी जाति और जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को हम लोक कला कहेंगे और लोक कला के माध्यम से जो हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अपनी कलाओं को सीखते हैं वही एक लोक कला है। और कला के बारे में कुछ विद्वानों ने जो खूबसूरत लाइन लिखे हैं कि कला है क्या, एक महान विद्वान है टॉलस्टॉय के शब्दों में, अपनी भावों की क्रिया रेखा रंग ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार देखने या सुनने में भी वही भाव उत्पन्न हो जाए वह कला है। हृदय की गहराइयों से निकली अनुभूति जब कला का रूप लेती है तो कलाकार का अंतर मन मानो मूर्त ले उठता है, चाहे लेखनी उसका माध्यम हो या रंगों से भीगी तुलिकिया या सुरों की पुकार या वाद्यंत्रों की झंकार। कला ही आध्यात्मिक शांति का माध्यम है, यह कठिन तपस्या है, साधना है। इसी के माध्यम से कलाकार सुनहरी और इंद्रधनुषी आत्मा में स्वप्नदीन विचारों को साकार रूप देता है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि वह लोगों को संकीर्ण सीमाओं से उठाकर उसे ऐसे स्थानों पर पहुंचा दे जहां मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है। कला व्यक्ति के मन में बने स्वार्थ, परिवार, क्षेत्र, धर्म, भाषा और जाति आदि की सीमाएं मिटाकर विस्तृत और व्यापक प्रदान करती है। तो सगाजनों, आज यदि जनजाति समुदाय को दुनिया के नजरों में, दुनिया के विद्वानों में अच्छी निगाहों से देखा जाता है तो मात्र हमारी जो कलाकृतियां हैं जिसके नाम से दुनिया आज हमें बहुत सम्मान देती है, प्यार करती है, और जो भी हमें आज संरक्षण और हमारा जो विशेष ध्यान रखा जाता है
कि हम इस देश के वारिस हैं। तो सगाजनों, मुझे इस बोलने में बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि हम यदि हम गोंडी लोककला की बात करें तो गोंडी लोककला को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, लकड़ी या बांस व धातुओं से बने कलाकृतियां, और दूसरा है रंगों से बनाए जाने वाले कलाकृतियां, और तीसरा संगीत, नृत्य कला, गायन कला व वादन कला। आज हम इस तीन पे बात करेंगे। हो सकता है बात करते करते कोई उदाहरण विशेष वस्तु से हट जाए। लेकिन प्रयास करूंगा कि मैं एक कलाओं के बारे में ही अपने जो उन कलाओं के प्रति जो मेरे मन में है, हो सकता है मैं अच्छे शब्द नहीं बोल पाऊं, ये हो सकता है, लेकिन जो मेरा आत्मा है कला के प्रति मैं पूरी तरह से समर्पित हूं। हो सकता है मेरे पास अच्छे शब्द ना हो हमारे कला के बारे में बखान करने का, लेकिन हमारे जो गोंडी लोक कलाओं में हम सबसे पहले हम नेगियों की बात करेंगे, क्योंकि जो नेगी हैं, ऐसे तो कहा जाता है कि हमारे 52 नेगी हैं। मैं नेगी शब्द आगे बढ़ने के पहले नेगी शब्द को थोड़ा सा इस पे बात रखना चाहूंगा कि जो नेगी है, एक्चुअली हम नेलकी के जो सहयोगी होते हैं वो नेलकी के जो सहयोगी हैं वो नेगी हैं, क्योंकि हमारी इसमें जाति की व्यवस्था नहीं है, हमारी इसमें नेगी की व्यवस्था है। इसलिए मैं नेगी शब्द का इस्तेमाल करूंगा समस्त जनजातियों के लिए, हम सबके लिए। नेगी और नेल की मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था रही है वो नेल के ऊपर था, मतलब खेती बाड़ी के ऊपर, किसानी के ऊपर, जिसको किसान आज बोला जाता है, और उसके सभी जो सहयोगी हैं तो उनकी हम बात करेंगे। तब हमारा जो होयापुनेम है वो स्पष्ट तरीके से हम सबके सामने होगा। तो जो जैसे आज हम अपने दरवाजों में और खिड़कियों में और भी जो है, जैसे गाड़ा जो बनाया जाता है बैलों फांद के जो ले जाते हैं उस पे, तो इसमें जो विशेष योगदान है, जैसे और नांगर है, बखर है, यानी खेती के जो औजार हैं, मतलब जो हमारा जो नेलकी है उसको जो पूरा सहयोग जो मिलता था वो बड़ा ही नेगी का हम बात यहां पे करेंगे कि हर चीज की उसकी जो नक्काशी है कि, और हमारा जो गोत्र, यानी हम गोत्र को यदि मैं गाना बोलूं तो कि हमारा जो गाना है कि जैसे एक जीव एक वनस्पति, मतलब हमारी जो जिसको हम गोत्र बोलते हैं उसमें एक जीव एक वनस्पति एक पक्षी है। तो अब हम अपने मकानों में देखते हैं कि लकड़ी के नक्काशी में वो सब हमारे जो जो भी टोटम है वो हमारे घरों में, दरवाजों में, खिड़कियों में सब हमें मिलते हैं। हाँ, धीरे धीरे अभी थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि कोया पुणे में थोड़ा सा अन्य लोगों का नजर लग गया है। तो सगाजनों, आज हमारा जो
लकड़ी के काम करने वाले जो नेगी हैं, उन्होंने बहुत खूबसूरत हमें नक्काशी करके दिए हैं, जो आज भी कई जगह हमको पुराने गढ़ किलों में देखने को मिलते हैं। और इसी कड़ी में हम एक और नेगी की बात करेंगे, अगरिया। अगरिया नेगी को जनरली हम लोहार के नाम से जानते हैं, लेकिन अगरिया अलग है। यदि अगरिया के बारे में मैं बात करूं कि यदि लोहे का कोई यदि खोजा है वो अगरिया है, क्योंकि वो परंपरागत अभी तक जो है वो पत्थर से लोहा निकालते हैं। और ये इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये मेरे गांव में है और उनको बचपन से जानता हूं कि लोहे पत्थर से लोहा निकालते हैं। तो ऐसे ऐसे जो विद्वान समाज में हुए, आज उनकी चर्चा अपन ना करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उचित नहीं होगा। इसलिए मैंने ये विषय को चुना है ताकि इसके माध्यम से जो भी है हम सब जानते हैं। नेगियों की आप बात करेंगे, अगर यह नेगी की, अगर यह नेगी के बारे में एक जो सामान्य परिचय है और विस्तृत जानकारी हम सबको है ही। जैसे जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जो परीना पेन है, नेलकी का जो परीना पेन है, परीना पेन मतलब जीविका के जो साधन, जीविका के जो वस्तु को हम एक परीना पेन हम बोलेंगे। जो परीना पेन, जैसे हमारा जो नेलकी का जो परीना पेन है वो हमारा नांगर का फाल है, बखर है, सबके परीना पेन अलग अलग है जीविका के साधन। और इस परीना पेन के माध्यम से हम एक दूसरे से कैसे जुड़े थे मैं आगे बताऊंगा इस कड़ी में। इसमें जो पेन पट्टा है, मुद्दा है, मुद्दा मतलब जो चुनमुंदरी जिसको बोलते हैं कि एक बार वो सात के बना दे तो सात जन्मों तक जो है हमारे संबंध नहीं टूटते, क्योंकि कुलवधू के लिए वो कुंवारी लोहा का जो मुद्दा ही विशेष है, अन्य दूसरे मुद्दे जो हैं वो उसके लिए योग्य नहीं होते। इसमें अगर ये नेगी की बात करूंगा, एक महत्वपूर्ण विषय है इस पे। जैसे जो हम खरग बनाते हैं, खरग का मतलब त्रिशूल नहीं होता, हाँ वैसा रहता वैसी है, लेकिन खरग में जो बीच का जो एंटीना है लंबा होता है, और खरग में नर और मादा दो प्रकार के जो खरग होते हैं। तो सगाजनों, अभी तो हम देखते हैं कि कोई भी उठाया लोहार बना दिया, लेकिन हमारे गांव में मैं बचपन में था, देखा तो नहीं उनको बनाते हुए, लेकिन जो जानकार लोग हैं जिन्हें साक्षात ऐसे उन्हें बनाते हुए देखें, उनके मुख से मैंने सुना है कि आखिर गोंडों के मेढ़ों में वो जो खरग है उसमें इतनी पावर क्यों होता है, क्योंकि संगठनों वो बहुत साधना के साथ बनाया जाता है। मतलब आज आदमी कल्पना नहीं कर सकता उसको कि वो जो उसका जो खरग को बनाया जाता है, मतलब समाज के लिए इतना समर्पण की भाव तो जो खरग है वो कुंवारी लोहा से बनता है, और कुंवारी लोहा एकदम से शुद्ध लोहा जिसको हम बोलते हैं, उसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं होता, उससे बनाया जाता है। और खरग बहुत साठ में अपनी बात रखूंगा,
खरक जो रात के 12 बजे दोनों पति पत्नी जिस जगह पे इनका दुकान होता है या जो बनाते हैं वहाँ पे सुनसान रात के 12 बजे दोनों निर्वस्त, मतलब उनके तन में कपड़े नहीं होते, ऐसी अवस्था में जो है उस खरक को मनाया जाता है। तो सगाजनों थोड़ा सोच के देखेंगे इसको, कितना त्याग और तपस्या के साथ वो खरक बनता है। तो ऐसे कलाकारों की हम चर्चा ना करें और हमारी ही बात करें, या हमारे जो वैज्ञानिकों ने जो ऐसा व्यवस्था में ऐसे महान कलाकृतियों को जोड़े हैं, तो आज हम सब इसी चीज को इसके माध्यम से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और उस हमारी परंपरा बन गया। तो ये संदेश देते हैं हमें कि और खरग में जो ये जो शिमवाल ऐसा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कि कोई ना कोई अंक उसमें जुड़ा है, या तो वो उंदी जुड़ा हो या रंग जुड़ा हो, जो भी हम ऐसे देखें उसमें। ऐसा तो नहीं किया कि पूरा 33 होते होंगे, यदि हम उसको प्रतीक के रूप में हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे व्यवस्था में जो है कि हमारे पुरखों ने व्यवस्था को हर जगह कहीं ना कहीं जो है बचा के रखे हैं। तो इस प्रकार हमारा जो अगर यह नेगी की बात है, अगले नेगी के संदर्भ में मैं बात रखूंगा ढोलिया नेगी, जिन्होंने मतलब बांस के काम करने वाले, कि बांस के टोकनी है, ढोला है, सूपा है, चलने की चुरी चरिया, झिटका, ढूठी, उमनी, झापी, चुरकी, चटई, गोना आदि विभिन्न प्रकार के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले वस्तुओं का इन्होंने इजाद किया है। तो आज इतने बड़े बड़े कलाकृति हमारे लोगों ने उस समय किए हैं जब दुनिया सो रही थी। तो दुनिया शब्द समाज ऐसी नहीं बोला जाता कि उसका आधार है कि गोंडवाना संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी किसी ने कहा है, तो निश्चित है कि उन्होंने हमारा समाज का संपूर्ण अध्ययन किया है। हमारे कोई हितैषी तो नहीं है, हमारे रिश्तेदार तो नहीं कि कह दिया कि नहीं यार गोंडों के लिए बोल दो गोंडवाना संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी। तो सगजनों ये जो कलाकृतियां हैं और इन्हीं कलाकृतियों को आज आगे बढ़ाए हैं लोगों ने, एक बात अलग है, लेकिन मूल हमारा जो ढोलिया नेगी है। और आगे बढ़ते हैं कि हमें कुंभे नेगी की हम बात करें कि जिसके करस करवा जो शादी में लगता है, या जो भी मिट्टी के जो औजार बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं और खिलौने भी बनाते हैं, तो मिट्टी के बर्तन में जैसे मड़मिंग के लिए विशेष रहता है कि बगैर निमंत्रण के जो है वो बनाते नहीं हैं, तो सबसे पहले उनको कोई भी मड़मिंग का जो है या विवाह का जो है निमंत्रण हम देते हैं। और बच्चों के लिए खिलौने, हम वो चीज़ देखते हैं कि जब यह अभी जो पोला पट्टुम है, जैसी आता हमारे जो नेगी हैं बच्चों के लिए खिलौने, लड़कियों के लिए खाना बनाने से संबंधित सभी जत्ता चकिया या घोड़ा या बैलगाड़ी, ताकि बच्चा अभी घर में इनके माध्यम से अपनी व्यवस्था को जान सके, अपने जीविका को चलाने के लिए काफी कुछ सीख सके। तो ये आज अभी जो पोला
बोला जो हमारा जो पड्डुम पापू पड्डुम आएगा इसमें जो है हम बचपन से खेले हैं देखे हैं, अभी भी याद आते तो बहुत अच्छा लगता है, वही सारी चीजें हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में दिखते हैं। तो इस टाइप का हमारे जो नेगियों का विशेष योगदान रहा है दुनिया में, आज विकास दुनिया यदि सभ्यता की ओर गया है तो कहीं ना कहीं हमारे नेगियों का विशेष योगदान है। और अगले नेगी की हम बात करें, तोल या मोची नेगी की बात करें हम, जो चमड़े के काम करते थे, जो उसमें जैसे नागर या बखर के लिए जो बीच में रस्सी यूज किया जाता था चमड़े का, तो वो हमारा जो तोल नेगी यानी मोची है उसके यहां उनके द्वारा बनाया जाता था। जैसे नांधा है, बारती है, जोता है, खड़ाऊ है, सरपुक आदि अन्य तरीके से वो किसान को सहयोग करते हैं, आज भी करते हैं, लेकिन व्यवस्था आज थोड़ा सा चरमरा गई तो सब इधर उधर भागने लगे, लेकिन इनकी बिगर कोई अपने अधूरा है। तो ऐसे समस्त हमारे जो नेगी हैं जिन्होंने हमारी व्यवस्था को या कोई अपने को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पे बिठा के रखे हैं, आज दुनिया माने या ना माने वो बात अलग है, लेकिन हमारे नेगियों का विशेष योगदान सभ्य समाजों के लिए है। तो ये जो हमारा रहा कि जो लकड़ी है और इनसे बना कला कृतियों के बारे में, हम आते हैं रंगों के माध्यम से जो हम कलाकृति देखते हैं, और गोंडी पेंटिंग के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि गोंडी पेंटिंग जो गोंडी पेंटिंग है जिसको दुनिया में यदि पहचाने वाले हैं तो उनका नाम बहुत सम्मान के साथ लेना चाहूंगा, कुंसाय जनघन सिंह श्याम जी, जो दुनिया में पहुंचाया गोंडी पेंटिंग के नाम से, और आज दुनिया उस पेंटिंग के पीछे रिसर्च कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, और रंगों के पेंटिंग के माध्यम से बहुत से जो हमारे जो नेंग हैं, बहुत सी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनको हम इन रंगों के माध्यम से, अपनी भावनाओं को हम एक रंगों के माध्यम से बनाते थे, आज थोड़ा थोड़ा लुप्त हो चुका है कि पुनः मेरा जो उद्देश्य है किसको याद कराकर पुनः हम अपने बच्चों को जो हमारी गोंडी पेंटिंग है उनके बारे में बतलाएं और उन्हें सिखाएं, क्योंकि चूंकि मैं कला के बारे में ही बात कर रहा हूं, क्योंकि यदि गोंडी लोक कला की बात मैं अकेले संगीत पे करूंगा तो उचित नहीं लगेगा, क्योंकि संगीत तो है ही, लेकिन ये जो रंगों के माध्यम से हम और जो चित्र देखते हैं, शैल चित्र,
जिसके माध्यम से हमारे लोगों ने बहुत से परिस्थितियों को दर्शाया है, खुशियों को दर्शाया है कि किसी आक्रमणकारी ने यदि आक्रमण किया है तो उन्हें चित्रों के माध्यम से दर्शाया है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने जो है इस रंगों के माध्यम से कुछ न कुछ समाज को संदेश देते रहे हैं। और शैल चित्र में सबसे यदि अच्छा है तो हम भीमबेटका में देख सकते हैं। और हम आते हैं घरों की लिपाई में, पहले मिट्टी से काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी ये सब लाते थे और खूबसूरत डिजाइन घरों को करते थे। तो आज उन सबका अध्ययन हमें करना है और अपनी परंपराओं को बचाना। ठीक है, हम बोलते हैं आज परिस्थितियों के साथ, आज के माहौल के साथ अपनी परंपराओं को बचाना हमारे लिए सबसे बड़ी आज चुनौती है। क्योंकि हम जनरल ये कर रहे हैं कि आज सभ्य समाजों की ओर अग्रसित तो हो रहे हैं लेकिन हम अपनी परंपरा को छोड़ रहे हैं, जो ठीक हमारी पहचान के लिए ठीक नहीं है, हमारे अस्तित्व के लिए ठीक नहीं है। सगजनों, प्रकृति के संतुलन बनाने के लिए हमारे लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं जो आज हमारे लिए प्रेरणा, जैसे प्रकृति बिजनेस में यहां से इसी बनावट भी मैं एक कला पे बात करूंगा कि हमारे लोगों ने, हम जंगल की बात करें तो वहां घास फूस के मकान मिलेंगे और सुंदर तरीके से मिलेंगे। और वहां पे घास फूस के बनाने के पीछे क्या कारण कि ताकि वहां का पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। और वही चीज हम मैदानी इलाकों में देखें तो मिट्टी के खूबसूरत मकान, जब मिट्टी में मिट्टी का मकान बनाएंगे तो निश्चित है कि वहां के टेम्परेचर को वो कोई प्रभावित नहीं करेगा। तो इस टाइप का, और हम पहाड़ों पे देखें तो गढ़ किलों की बात, जहां पत्थर में यदि पत्थर का मकान बनाएंगे तो निश्चित है कि प्रकृति का वह जीरो मतलब उसमें किसी प्रकार का उसको जो है दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमारे लोग कितने मतलब विद्वान थे कि प्रकृति को एक जीरो इस पे रखें कि उसको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना ही नहीं चाहते। तो हर जगह उन्होंने प्रकृति के सम्मान में जो है अपने तौर तरीके जीने के तौर तरीके बनाए हैं। इसलिए तो आज एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि प्रकृति की बात आती है, हम प्रकृतिवादी तो बोलते हैं लेकिन प्रकृति के से हम कैसे जुड़े, हमारे लोगों ने प्रकृति को क्यों नहीं छोड़ा, उसके पीछे एक थोड़ी सी लाइन है कि हमारा जो मानव है इस प्रकृति में वो पारिस्थितिक तंत्र से यानी इकोसिस्टम से बाहर है, मनुष्य की बात कर रहा हूं, लेकिन उस इकोसिस्टम में जोड़े रखने के लिए हमें जो एक जीव, एक वनस्पति और एक पक्षी का सिद्धांत दिया ताकि हम प्रकृति को हम बैलेंस करें उसके सम्मान में। तो इस टाइप का हमारी एक व्यवस्था रही है। और आगे चलते हैं कि हमारा जो महान पक्ष आता है संगीत, संगीत के बारे में, और हमारे लिए संगीत चाहे किसी भी जनजाति के ट्राइब्स की बात करूं कि जगह जगह खूबसूरत हमारा जो संगीत का जो पक्ष है बहुत खूबसूरत है, मैं देखता हूं तो गदगद हो जाता हूं, चाहे किसी भी ट्राइब्स की बात करूं। यदि आज कभी ऐसा कल्पना करता हूं कि यदि समाज के द्वारा समस्त जनजातियों को एक जगह लाया जाए और उनके वाद्य यंत्रों का, तो आहा फिर तो बात ही अलग है। आदमी हम मतलब दुनिया तर जाएंगे इतने कलाओं को देख के, कहीं कहीं गवर्नमेंटों के माध्यम से करते हैं, हमें भी करना चाहिए अपने कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए।
संगीत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। संगीत पूर्ण समुदाय का प्राण है। संगीत के बिना हम अधूरे हैं। संगीत के क्षेत्र में जनजाति समुदाय ने काफी तरक्की किया है, चाहे वादन का तौर तरीका हो या गायन का हो या एंदीना का हो। शब्द में कहीं ना कहीं जो है एक कला है। हर कला, हर डांस में, हर उसके गाने के शैली में बहुत बड़ी रहस्य छुपे हैं। इन्हीं को आज मैं थोड़ा सा रखना चाहूंगा। तो आज मैं गोंडी गीतों के बारे में बात करूंगा। जो गोंडी गीत हैं, हम देखें उसको तीन प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। धार्मिक पर्वों में जो गाया जाता है, नृत्य गीत किया जाता है वो। दूसरा है सामाजिक पाटा, और तीसरा है मौसमी नृत्य, यानी वकोतियाल पाटांग, जिसको हमारे विद्वानों ने कहा है। तो इस प्रकार हमारे जो हैं, जो नृत्य गायन वादन की जो शैली में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नृत्य हैं, आज इन्हीं में हम संक्षिप्त टिप्पणी करेंगे। थोड़ा सी अपनी बात हम रखूंगा, कोई मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ। ज़्यादा उम्मीद लगा के मत बैठिएगा, नहीं तो, क्योंकि मैं तो बस एक प्रयास कर रहा हूँ कि वाद्यंत्रों की बात हम नृत्यों में हम देखते हैं। ये हमारे प्रबुद्ध लोगों के जो साहित्य में जो मिला है, जैसे नृत्य की हम बात करें, नृत्य में रीलो नृत्य है, पठार नृत्य है, डोहरा नृत्य है, सैला नृत्य है, मंडराना नृत्य है, मांदरी नृत्य है, करसाड़ नृत्य है, तीनामू नृत्य है, नृत्य है, नृत्य जतरा है, कोलांग नृत्य है, गेड़ी नृत्य है, मंडा नृत्य है, चिटकोला नृत्य है, पंडिंग नृत्य है, कोलांग नृत्य है, टीटांग नृत्य है, फुल्की नृत्य आदि प्रकारों में हम इसको, हमारे विद्वानों ने, ये मेरा नहीं है, विद्वानों का रिसर्च है, मैं आपको बीच में रख रहा हूँ। इस टाइप का, और इनके जो गायन और वादन की जो शैलियां हैं वो अलग हैं। हर गीत में कहीं ना कहीं जो हम गायकी देखें उसका, यदि हम आज के जो गायन की जो शैली है, जिसे सा रे गामा पादा नीसा जो हमारे आज दुनिया में चल रहा है, आज हमारे लोगों ने भले उसे डिफाइन नहीं कर पाया, लेकिन ये बात जरूर है कि हमारे लोग ये सभी स्वरों को जानते हैं। आज हमें आवश्यकता है कि इन नृत्यों के माध्यम से, इन गीतों के माध्यम से उन चीजों को जाने कि वो कौन सा ताल है, कौन सा राग है। और आज का जो संगीत जो बच्चा सीखेगा वो निश्चित है कि एक इनको लिपिबद्ध कर पाएगा। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हमारे जो सम्मानी कलाकारों से बहुत अच्छे संगीत के पक्ष को उठा रहे हैं, चाहे गुंडी हो या हम छत्तीसगढ़ी की बात करें या एक मंडला क्षेत्र पे इसकी अपन बात करके, सभी कलाकारों ने एक गायन वादन की शैली में जबरदस्त काम कर रहे हैं।
लेकिन आज हमें जो जरूरत है कि आज हम बच्चे को देखते हैं कि आज हम उधर रीलों रथ की अपन बात करें तो वहां भी हमारा बच्चा कर्मा नाचता है। अरे पठान रथ की बात करते हैं तो वहां पता चला कि झूमर नाच रहे हैं। तो आज हमें एक एक जो हमारा जो नृत्य है, मैं ये कलाकारों से विशेष निवेदन करूंगा कि जब भी अपने कोई भी गीत बनाते हैं या उसमें नृत्य डालते हैं तो जरूर लिखें कि इसमें जो है उस गीत का आइडेंटिफाई हो। क्योंकि आज हमें वो समझ में नहीं आ रहा है और इसमें हम आगे चलते हैं, उसके बाद और मैं अपनी बात को रखूंगा और जो हमारी जो गाने की शैली है उस पर मैं अपनी बात रखूंगा। तो ये मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे हमारे जो सरों के जो दाता हैं जिन्होंने हमको सर सिखाया है उसमें पहले यदि बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि बाबा पहांदी पाड़ी कुपाड़ लिंगो की देन है और ये हमें उनके गीतों में भी मिलता है कि भाई पहला जो संगीत या गीत नृत्य किसने लाया वो हमारे बाबा पहांदी पाड़ी कुपाड़ लिंगो लाए। ये हमारे पुनसाय दादा मोतीराम कंगाली जी के किताब में जो हमारा सांस्कृतिक इतिहास है उस पर यह दिया है। और उन्हें उनके जो 18 वाद्य यंत्र हैं वो भी उसमें महारत हासिल थे। हाँ ये कहीं कहीं हमारे जो लोग हैं ज्यादा प्यार और सम्मान में थोड़ा सा एक साथ बजाते थे बोल देते, बाकी ऐसा तो नहीं लगता है कि हाँ इतना है कि 18 वाद्य यंत्रों के विशेषज्ञ थे, ये बात बिल्कुल गारंटी है। मतलब इतने नृत्यों का स्थापना कैसे खोज किए होंगे, उनमें गीतों को खोजना, आज तो हम पढ़े लिखे लोग भी जो है कोई गीत को रचना करने में हमें 6-6 महीने मतलब कभी कभी तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन हमारे लोगों के नृत्य सबका अलग अलग एक स्टेप, अलग अलग गायकी, अलग अलग सब कुछ, तो कितने बड़े कलाकार रहे होंगे, कितने बड़े संगीत के विशेषज्ञ रहे होंगे। हम बोल देते हैं साधारण तौर पर, अरे बोला ऐसा कुछ नहीं होता यार, लेकिन नहीं, हमको मानना पड़ेगा। यदि हम नहीं कर सकते, हम संगीत हम रचना नहीं कर सकते, हम बजा नहीं सकते, आज मांदर बजाने वाले देखें एक भी नहीं मिल रहे, कहीं ना कहीं ये सब विधाएं जो है खत्म हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको इस तरीके से काम करना पड़ेगा तभी हमारे जो कलाकार हैं जो संगीत को जो संगीत के माध्यम से जो संदेश दे रहे हैं दुनिया को, उनका थोड़ा सा दायित्व यदि हो जाए, यदि वो करसार नृत्य कर रहे हैं तो बिल्कुल उस पे गाने में जरूर लिखें, ताकि हमारा जो बच्चा उसको देखेगा तो करसार नृत्य के बारे में पूरा स्पष्ट हो जाएगा, ये करसार नृत्य, ये कर्म नृत्य, ये झूमर है, लेकी है, ये सैला है, ये रीना है। तो ये हमें आज स्पष्ट करना है। और दूसरी बड़ी बात क्या है, जो नृत्यों के प्रकार में ये गुंडी जो वाद्यंत्रों की हम मतलब बात करेंगे कि जब स्वरों को नहीं जानेंगे तो फिर कैसे एक बांसुरी बनाए होंगे, इसका मतलब वो जानकारी रही होगी ना, भले उसको आज नहीं बता पाए वो, उनके नोट्स नहीं बनाए, लेकिन यदि बांसुरी हमारे लोग बजाते थे तो कहीं ना कहीं स्वरों का जो है जो उनका जो डिफरेंस है, जो भले हो सकता है कि मतलब इतना हाई फाई ना रहा हो, लेकिन आज वही बांसुरी से मंत्रमुग्ध हो जाते थे दुनिया, तो इसका मतलब यह है कि वो स्वरों पे ही बजाते थे। तो हमारे इतने बड़े बड़े विद्वान थे और आज हम अपने विद्वान किसको देखते हैं, इधर देखते हैं, ये तो हमसे देख के सारी चीजें सीखें,
तो आज हम अपने स्वयं के व्यवस्था के ऊपर हमको फक्र महसूस होना चाहिए। कब होगा? जब हम अपनी व्यवस्था को पूरी तरह से देखेंगे और दुनिया ने इसी को आगे बढ़ाया है, तब हमें लगा कि यार कि हम एक्चुअली वी आर इंडिजिनियस। तो अभी मैं और बात रखूंगा इस पे। ये जो फूकने वाले जो वाद्य यंत्र हैं, जिनको हम सामान्य कंगाली जी के किताब में हम देख सकते हैं, गुंडी पुनियन में, कि वह दुरपेरा, ये बांसुरी जैसा होता है। आज पूरी दुनिया सारे गामा पादा निशा में चल रहा है, तो हो सकता है कि हमारे लोग भी उसका कोई दूसरा मतलब निकाले होंगे। तो हम आगे इसमें बात करेंगे। थुर्रा है, हुकुम है, भैंस का थुर्रा से आवाज निकाला जाता था। फिर तंत्रवाद यंत्र की अपन बात करेंगे, जिसमें कीकरी है, जिसको सारंगी भी आज यदि हम सारंगी कह सकते हैं। तो आज हम इतने बड़े हमारे लोग मतलब गीत संगीत और वादन के इतने बड़े कलाकार हुए, लेकिन हम लोग उसको हम उस ओर ध्यान ही नहीं दिए। किकरी में है आज सारंगी बजाया जाता है। हमारा बहुत से व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से हमें बहुत से ऐसे किकरी बजाने वाले मिलते हैं, कितना खूबसूरत बजाते हैं। अब वो सारे गांव पादा निशा को जानते होंगे तभी तो बजाते होंगे, ऐसा तो नहीं कि छुएर बच जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि जादू की छड़ी हो। फुसीर है, नारियल के खोक से तमुरा जैसे बनाया जाता है इसको। और इसमें एक चीज में और बात रखूंगा इसमें, कि मैं एक तमुरा बजाने वाले हमारे नेगी को मैं देखा, तो उसमें उसके तीन तार थे। क्योंकि मैं संगीत में थोड़ा बहुत रुचि रखता हूं और कुछ नेटों के माध्यम से कोई मेरा कोई गुरु नहीं है, तो वो जो तीन तार हम यदि हम उसको ये करें और वो तीनों तारों को बराबर वो छू रहा था। और आज की डेट में वही जो सा पा और सा गा पा की हम बात करें, जिसको आज के जो संगीत की भाषा में कॉर्ड्स बोला जाता है, तो हमारे लोग तो पहले से इन चीजों को बजाते थे। आज हमें समझ में नहीं आया, वो बात अलग है। तो जो संगीत है हमारा बहुत मजबूत पक्ष है, और आज हम उनके बच्चे, जहां हमको टॉप में होना था आज हम नीचे हैं। तो सगाजनों, यदि हम अपनी व्यवस्था के अंदर अपने जो पुरखों द्वारा दिए गए वाद्य यंत्रों को हम मॉडिफाई करके, ठीक है, उसकी स्वरूप ना चेंज हो। किंद्री है, घुमिर है, जैसे गिटार जैसे होता है, वही मैं बोला गिटार को जो सिर्फ कार्ड्स में ही बजाया जाता है, तो हमारे लोग भी बजाते थे इसको, आज हमको समझ में नहीं आया वो। फिर हम विद्युत वाद्य यंत्र यानी चमड़े के बने होते हैं, निशान, ये नगाड़े की अपन बात करते हैं। और नगाड़ा कि नगाड़ा को हम ऐसे नहीं छोड़ते, उसको हम अलग अलग करें भाषागत, कि यदि नेंग आड़ा, मतलब हम उसको नेंग आड़ा बोलें कि नेंग में बजने वाला एक शक्ति। इसलिए हमारा जो नेंग है कि बिगर नगाड़ा के कंप्लीट नहीं होते। अब यदि नगाड़ा का जो स्वर नहीं निकलेगा उसमें, तो हमारी जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा वहां उत्पन्न होना चाहिए, वो हो ही नहीं रही है। क्योंकि हम तो आजकल वो एंड बैंड ठोक रहे हैं, बड़ो हम बोल रहे हैं, वो भी जरूर जो, लेकिन जहां जरूरत है वहां उस चीज को यूज करें। और आज इसी के वजह से जो है कि हमारे जो नेगी है अपने व्यवसाय छोड़ने लगे, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, उनको इज्जत नहीं मिलेगा, तो निश्चित है कि अपनी व्यवस्था को छोड़ेंगे वो।
तो आज हम ये जितने भी हमारे नेकी हैं जो परीना पिन लेके हमारे पास आते हैं, उनका हमको सम्मान करना पड़ेगा और उन्हें भी जो है व्यवस्थित और लौट के पुनः एक बार इसको फिर से पुनर्जीवित करना पड़ेगा। तो जो बात संगीत पक्ष की चल रही है, फिर अगला है गोगो गोगा, इसे नगाड़ा का ही प्रकार है, तुरमुड़ी और ढोल है, परांड है, मृदंग के स्थान पर उपयोग होता है। मृदंग तो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे लोग पहले से करते आ रहे हैं और हम उसको देखते हैं कि हमारा जो अहिर जो नृत्य होता है, अहिर नेगी हमारा जो है वो अपने नृत्य में जो है वो मृदंग ही बजाता है। फिर हमारे धातुओं से बने या लकड़ी से बने उन वाद्य यंत्रों की हम बात करेंगे, पिटर का ये टापरी जैसे होता है, लकड़ी का बना होता है, डिंटोरा लोहे का बना होता है, बीन जैसे होता है, या पायड़ी चिटकुला है, झांझ है। तो सगाजनों आज हमारे पास इतने वाद्य यंत्र हैं, तो आज हमें तो दूसरे यदि ही में हम थोड़ा सा सुधार करें तो हम बहुत कुछ अपनी समाज को हम अच्छी दिशा पे ले जा सकते हैं, ताकि उसकी जो मौलिकता बनी रहे। तो हम अब हमने जो वाद्यंत्र और नृत्यों के बारे में इसमें दे दिए, अब थोड़ा सा मैं बात रखना चाहूंगा कि हर मौसम में हमारे लोगों ने अलग अलग रागों के माध्यम से, अलग अलग वाद्यंत्रों के माध्यम से, मतलब व्यवस्था बनाया है, दिया है कि कौन से मौसम में कौन सा लय ताल अच्छा होगा, जिससे मनुष्य के ऊपर जो है उसका जो प्रभाव दुष्प्रभाव ना पड़े। तो हमारे लोगों ने इसको विशेष ध्यान रखा है कि जैसा अभी जो माहौल चल रहा है, हम उसमें जो हम माहौल की अपन बात करें, हमें जो आज ये पाठ पीढ़ा का जो मौसम चल रहा है, इसमें हमारे जो हम यदि पाठ पीढ़ा की बात करें, जो आज हमारे अंदर जो मंत्र हैं, जो हमारे अंदर जो सर्पियों के अंदर जो व्यवस्था है, उसको हम कैसे जानें? तो जब तक है कि आज हमारा जो पाठ गुरु है वो जब तक नहीं उसके पास नहीं जाएंगे, हाँ, तो हम कहां से ये चीजों को सीख पाएंगे? हम तो सब सारी चीजें छोड़ दें, सब खत्म, पाठ गुरु भी पढ़े कोई आ ही नहीं रहे हैं, तो ठीक है भाई, ये चीज जाना है। लेकिन उसके अंदर जो सर्पी के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, हालांकि वो कहीं मतलब एक देहाती लैंग्वेज पे है, इसमें मैं एक सर्पी की बात मैं थोड़ा सा करूंगा इस पे, फिर आगे मैं बढ़ता हूं। जैसे जो मैं भी थोड़ा बहुत संगत कर लेता हूं, उसमें एक सर्पी है, हो सकता है सर्पी की जानकारों को माफी चाहूंगा यदि कोई शब्द इधर उधर हो जाए तो। दल दल धरती करे विजय बा सिंह नांग, कौन पदन में हाट गए से पहरा नवल सिंगार, पैरी के झुमका काल डांग उठे है, उठो हो कोसड़ो, बड़ा झेर लगता है हाक पर बूढ़ा नांग के, उड़ जाए चेस समार। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं, लेकिन ये हमारा रहस्य है, इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन हम जो कोशगम की हम बात करके, पहला हमारे शंभू की बात, कौन हमारा नेगी है इस देश में? हो सकता है कि हमारे गुरु नानक जी भी हमारे ये पाठ गुरु रहे हों। ये जब तक हम पाठ को पाठ पीढ़ा का जो व्यवस्था है वो एक मिनी गोकुल है,
और उसमें ये सब सारी चीजें सिखाया जाता है, और सिर्फ उसका जो क्लास है मतलब साल भर में एक महीना लगता है, और एक महीने में वो इतना ज्यादा सीख जाते हैं कि बहुत सी चीजों को वो सॉल्व करते हैं हमारे आध्यात्मिक तरीके से। तो इसमें जो हमारा जो गीत यहां से जो स्टार्ट होता है, मैं उस गीत को बोल के आपको बता रहा हूं जो पंचमी जो गाया जाता है, अब गोंडी में क्या बोलते होंगे इस पर अभी एक विषय, लेकिन जो पाठ हैं जो गढ़कूट हैं, जो पाठ हम बोलते हैं गढ़कूट बोलते हैं, जो 176 खूट हैं, खूट का मतलब मतलब जीव जंतुओं का जो प्रकार है या पेड़ पौधों का जो प्रकार है उसको हम खूट बोलते हैं। पाठ मतलब ये है कि हमारे जो समस्त जो जीव एक जगह तो संचालित होते हैं उस स्थान को पाठ बोला जाता है। सुने होंगे चकिया पाठ, भैसान पाठ, लाट पाठ, तो ये छवारी पाठ, अनकूट ढनकूट, ये सब सारी चीजें, ये सब हमको वहां सीखने में। इस समय जो राग विशेषतः यूज किया जाता है उसकी जो शुरुआत है, जो स्वर लगाया जाता है वो रनभन से होगी, और इसके बजाने का जो तौर तरीका वो बिल्कुल अलग है। तो सगाजनों, मैं आपको इस गीत का मुखड़ा गा के बताता हूं। रन बनी हो मोर मेणुक देवता, रन बन रने बनी हो मोर जागुर देवता, रन बन रने बनी हो रन बन रने बनी हो गुंडवानक देवता, रन बन रने बनी हो मोर जागुर देवता, रन बन रने बनी हो। इस प्रकार इसका जो स्टार्टिंग है यहां से रनभन से स्टार्ट करते हैं, और यहां पे समस्त जो शक्तियां हैं वो आती हैं। तो हमको आज ये कहीं रूढ़िवादी ये जो व्यवस्था कहीं गलत तो नहीं, जब तक हम आज एक नजर में कह दें कि गलत है, लेकिन हमको जब तक हम उसको सीखेंगे नहीं जानेंगे नहीं हम उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो परंपरा सदियों से आ रही है, और जो व्यवस्थाएं अंदर जो छुपी हैं उन व्यवस्थाओं को उन्होंने छुपा के रखा है, ये ऐसे नहीं बताया जाता। और फिर इसी जीवती से हम शुरू करते हैं, यानी जीवती मतलब मैं एक सीधे सीधे भाषा में बोलूं कि जो फसलों का जो जन्म उत्सव हम कह सकते हैं, मैं एक सिंपल भाषा में बात कर रहा हूं। यहां से एक और शुरू होता है सैला और रीना, तो सैला है, और सैला की जो स्टार्टिंग है, जैसे मैंने जो अपनी जो सेवामान पाटा आप लोगों के बीच में रखा उसमें ता से स्टार्ट हुआ है, तरेहरा करना को नानी। तो जब हम प्रकृति के समस्त शक्तियों का सम्मान और आह्वान करते हैं तब उसमें हम तरना को तरेहरे नाना, तरना को नानी, ये सब हम वहां भी यूज करते हैं, वहां से उसका स्टार्टिंग करते हैं कि एक फड़ा के लिए सम्मान के लिए जो है हमारे लिए एक अलग उसका गायकी है। तो सगाजनों मुझे कुछ जीवन में अध्ययन करने का मौका मिला है, मैं फिर आपको एक बोलो कि मैं कोई वो नहीं हूं, लेकिन जो मैंने जो महसूस किया है वही बात को आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। ये हमारा जो पंचमी का ताला, फिर हम सैला और रीना की अपन बात करें, तो सैला की स्टार्टिंग जो होता है
बहुत खूबसूरत गीत है हमारे प्रेम सिंह मरावी जी का, और भी गीत हैं, तो इस गीत को मैं आज भी हमारे लोग गाते हैं, लेकिन ये गीत थोड़ा सा मुझे ये है, इसीलिए मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूँगा। तर्नको नानर नानर से मीके नर फूल के झपसा, ये हिंदी में है, मैं गोंडी में, मेरे पास उसका वर्जन उपलब्ध नहीं है, जो मैं हिंदी में गा रहा हूँ उसका वर्जन, गोंडी वर्जन मेरे पास नहीं है, मैं इसके लिए माफी चाहूँगा, जब हो जाएगा तो अगली बार जरूर मैं गोंडी में उसको गा के बताऊँगा। तर्नको नानर नानर से मीके नर फूल के झपसा, भौरा चूहक रस ले सेमी के नार फूल के झपसा, व तो हस मुस्का के मोह ले मामा के बेटी झाके अच्छे। तर्नको नानर नानर सेमी के नार फूल के झपसा। तो सगा जनो, इतने सुंदर गायकी और इतना खूबसूरत रचना, और आज हम पढ़ लिख के भी नहीं कर पाते, तो हम अपने पुरखों को विद्वान ना माने तो और क्या करें। कैसा कि एक शैला में जो है, जब एक धरती के सम्मान में उन्होंने तरना से शुरू किया, मैं हो सकता है कि स्वर इसके अंदर होंगे, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन आज मैं हमारे जो संगीत के विशेषज्ञ हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन चीजों को एक लिपिबद्ध करके हम आने वाले बच्चों को बताएं, और इसके ताल भी अलग हैं बजाने के, ईमानदार के साथ जब बजता है, ये वीर रस पे है, और शैला जब गाया या नाचा जाता है तो उसका जो स्पीड है आम आदमी नहीं कर सकता, वो कर सकता है सिर्फ कोयतूर ही कर सकता है, इतना स्पीड रहता है, और रात रात भर शैला चलता है, कभी धरती दाई के सम्मान में बहुत अभी पूरा माहौल शैला से गुंजायमान हो रहा है, लेकिन जहां जिन क्षेत्रों में छोड़ चुके हैं, चाहे हमारे क्षेत्र हो या और भी, पहले गाते थे, आज धीरे धीरे थोड़ा सा स्मार्ट गौण होने लगे तो सब छोड़ रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि फिर हमको कोई तुर्गौण बनना है। तो सगाजनों, ये हमारी जो गायकी के अंदर जो हमारे जो स्टार्टिंग जहां से हम करते हैं, इनके बारे में एक रिसर्च की जरूरत है, और इसी में हम एक ताल, जब दोनों को हम बोलते हैं कि शैला और रीना की बात करते हैं, तो ये दोनों इधर, यानी इनका जो मीनिंग्स है कि रिझाने से भी हो सकता है, जैसे रीना, तो रीना जो बोल है उसके, मैं वो भी आपको गा के बताता हूं, और रीना के माध्यम से आज अपने बच्चियों को जो भी व्यवस्था के बारे में हम बतलाते हैं, या हमारी जो मात्र शक्तियां हैं वो बतलाते हैं, तो ये बात हमेशा इस तरीके से मैं इसलिए रख रहा हूं कि हमारे बच्चों को जाने कि वो रीना नृत्य क्या है, शैला क्या है, ये शैला में करवाने नाचे हैं अपन, तो हर चीज की एक पहचान हो, इसलिए मैं ये विषय को रखा है। तो जैसे रीना है, री रीना री नारी हल रीना है नारे सुआ हो, री री नारी हल आए नारे सुबह हो, री री नारी हल आए, री री नारी नारी हल री ना है नारे सुबह हो, री री नारी हल आए नारे सुबह हो, री री नारी हल आए। इसमें मैंने एक भाषा के ऊपर एक जादू बनाया है कि 5 मिनट में 1 से लेकर 10 तक गिनती हम इस जादू के माध्यम से सीख सकते हैं,
इस रीना के माध्यम से मैं अपने उन्दी रंड बूंद नालू संयू सारू एरू नारू और पद, इसको मैं इस रीना में थोड़ा सा गा के बताता हूं। उन्दी रंड मुंद नालू संयू सारू नारे सुहो एरू आरू नारू पद नारे सुहो एरू आरू नारू पद। उन्दी रंड मुंद नालू संयू सारू नारे सुहो एरू आरू नारू पद नारे सुहो एरू आरू तारू पद। के जना गिनी गुंडी भाषा गिनी तीरे कोया हो कोया जन मकुन करी ताना नाय सुवा हो कोया जाने मकुन करी ताना। उंदी रंडे मुंद नलू संयू सारू ना येरू आरू ना रूंडे पदे। हम इस टाइप का जो है मैंने ये थोड़ा सा प्रयास है, तो सगा जनों जो रीना है बहुत खूबसूरत गीत है, इसके रीना के कई प्रकार हैं, कई तरीके से गाते हैं, लेकिन सब जगह से रीना ही स्टार्ट होता है। तो सगा जनों मैं आगे और ले चलता हूं कि ये जो सैला और रीना यहाँ से स्टार्ट हो गया है। फिर जब फसल जब पकने लगता है तो किसान के मन में बहुत आनंद के भाव जागते हैं। ये गुंडी का जो विशेष पक्ष है जहाँ से हर गीत हर पावन में हर पट्टुम में हर हमारे गोंगो मिजानों में सब जगह जो है एक पाटा नृत्य गायन का विशेष महत्व है। अगला आता है हमारा कर्मा। अब कर्मा बोलते हैं हम, यदि हम झारखंड की संथाल परगना की बात करेंगे तो वहां एक कर्मा पेड़ होता है। यहां हमारे चूंकि मैं बीएचएल में हूं तो यहां पे हमारे जो सगा लोग हैं बहुत अच्छे से करते हैं, हम भी जाते हैं, हम भी मजा लें, बहुत खूबसूरत आनंद होता है। तो जब पूरा एक छोटा बच्चा से लेके बड़े तक जब कर्मा ना नृत्य करते हैं, लेकिन हम जो कर्मा नृत्य करते हैं उसमें वो जो पेड़ के जो डगाल है या पेड़ है वो हमारे इसमें नहीं, लेकिन हमारे इसमें नाचा है। तो कर्मा के बारे में तो ये सब, एक किसान जो अपन फसल को देखता है और जो खुशी जाहिर करता है उस समय जो एक सामाजिक पाटा के रूप में गाया जाता है, इसमें मांदर है, टिमकी है, आजकल गुदुम उसकी खूबसूरती के लिए उपयोग करने लगे हैं, बांसुरी है और मनमोहक इसके पहनावा है और इतने ही खूबसूरत गीत भी। तो कर्मा में हम तीन तालों की बात करते हैं, कर्मा झूमर और लहकी की बात। तो जो कर्मा है ये हम देखते हैं कि यार कि हम हमारा जो अभी जो नए जनरेशन है वो नहीं समझ पाते कि कर्मा झूमर और लहकी, तो थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सगा जनों जैसे हम कर्मा की अपन बात करते हैं तो कर्मा की जो बोला है हो से स्टार्ट होगा। अब जैसे हम गुंडी में कर्मा हो हर कोया मनी मरु मारो
इदगोंडी इतिहास रो कोया मनी मरु मारो कोया मनी मरुंग मारो इधे गोंडी इतिहास रो कोया मनी मरुंग मारो। इसके पद हैं भाजी कोया तींजी तींजी नरतिन नौ लख डाइन कोया नरतिन नौ लख डाइन तोड़ी माटी फेक सी कुन की तिन खेती कमाई कोया मनी मरुंग मारो इधे गोंडी इतिहास रो कोया मनी मरुंग मारो। ये कर्मा है जहां से हो हाय रे स्टार्ट होता है। कर्मा के भी कई प्रकार हैं, ठाड़ी कर्मा है। तो स्वगजनों में इसलिए ये बात रख रहा हूं कि इसको हम स्पष्ट तरीके से जो मेरा आप तक अनुभव रहा है और हमारे बीच में दो विद्वानों का नाम लेना चाहूंगा संगीत के क्षेत्र में कि जो सगा सगुम के जान है त्रिमाल डीएस ध्रुवे साहब और त्रिमाल रामचरण पास्ते जी, ये गजब के संगीतकार हैं, वादक हैं। उनकी मांदर की मिठास तो मैंने अभी तक कहीं देखा न सुना है और इनके मांदर का जो मिठास सुनती ही मुझे इस ओर मेरा ध्यान आया है। मैं उनका इस मंच के माध्यम से सेवा जवाहर करूंगा। और इसी में फिर हम झूमर की बात करते हैं। इसमें गोंडी वर्जन नहीं है मेरे पास, तो मैं जो जहां पे हम झूमर की अपन बात करेंगे तो झूमर में हो कुछ नहीं स्टार्ट होगा। तो ये मेरा ही गीत है। जंगो के दरस कर ले लिंगो के दरस कर ले रे जंगो के दरस कर ले लिंगो के दरस कर ले रे पाड़ी मड़मी के बताए रे मिजान लिंगो के दरस कर ले रे जंगो के दरस कर ले लिंगो के दरस कर ले रे पाड़ी मड़मी के बताए रे मिजान लिंगो के दरस कर ले रे। तो सगजनो ये झूमर है और झूमर नाम से ही ऐसा लगता है कि आपको बहुत झूम झूम के नाचना है। इसके माध्यम से बहुत हम एक से एक गीत हैं, बहुत खूबसूरत गीते हैं और हमारे पुरखों ने बहुत खूबसूरत रचना किए हैं और बहुत अच्छे उनके जो मायने हैं। फिर हम लहकी की बात करते हैं। इन तीनों में जो नाचने का तरीके है, टाइमिंग है, वो अलग है। झूमर की बात करते हैं, कर्मा की बात करेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा। अब झूमर की बात है तो आपको झूमना है और लहकी की बात करेंगे तो बिल्कुल उसका जो दोगुन बढ़ जाएगा। जैसे एक गीत है लहकी में आता है, घुमसारे अंग नम बोले चिरैया उड़ जा रानी जल्दी पहुना भैया हो उड़ जा रानी जल्दी पहुना भैया हो उदक उदक अंगना मा बोले गौरैया उड़ जा रानी जल्दी पहुना भैया हो। इस प्रकार ये हमारा लेकी है और इसी पे हम ये भी गा सकते हैं। गोंडी में हम इसको कहीं कोया रोई मधोती तपुन मारुंगती कोया रोई मधोती तपोंडी न बाहुन मारुंगती अन्य जमाना ते कम्बे के करधन कवि ने बड़ी मजी कवि ने बड़ी मजी कहते ने चूड़ा कोया रोई मधोती तपोंडी न बाहुन मारुंगती कोया रोई मधोती तपोंडी न बाहुन मारुंगती। ये हम इस ताल पे गा सकते हैं और हम गाते हैं। तो सगजनों
ये हमारा पक्ष है कि कर्मा झूमर और लहकी, तो जब भी हम नाचे तो जहां झूमर है, हम तो कभी कभी गोंडी में भी मतलब कई तालों को हम देख लेते हैं, तो हम ये ना करें क्योंकि हम ही बिगाड़ देंगे तो उसकी खूबसूरती कहाँ रह जाएगी। तो हमको विशेष ध्यान देखना है कि हमारा जो भी कर्मा है, झूमर है, लहकी है, ये मैं आप बहुत आप लोगों को बात बताया है। और हम आगे और बढ़ते हैं तो हमारा जस आता है, जो अभी जस का मतलब जावा आड़ा से, जो हम जावाड़ा की हम बात करते हैं, जिसमें हम अपने एक खेती का मिजाम देखते हैं, जावा जो बोया जाता है। हमारे समाज में दो जावाड़ा है, एक चैत में है और एक अभी आएगा, ये तो एक तो खत्म हो गया और दूसरा भी बचा हुआ है, तो उसमें भी लगे हैं लोग। तो उसमें उसकी जो गाने का है वो भी अलग राग में है। तो आज हम इस चीज को देखें तो कितना हमारा खूबसूरत समाज है, कितना खूबसूरत समुदाय है कि हमको किसी अन्य चीजों की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। तो अभी जैसे जस की हम पर बात करते हैं, जस तो सभी सुने ही हैं और जस गाते हैं, हर जगह गाते हैं, उसके बोल अलग हैं। तो इस प्रकार हम देखें हमारे मांदरी नृत्य में जो गीत गाया जाए, तो बस्तर में जो है वो अलग है, और भी हमारा जो चीज़ है। यदि आज हम समस्त एक चीज को हम बृहद यानी परिष्कृत, थोड़ा सा परिष्कृत करके, अब हमको फेशियल करना है, हमको चेहरा को नहीं बदलना है, थोड़ा सा फेशियल पाउडर तो चलेगा, जैसे थोड़ा काला पे तो हम पाउडर लगा सकते हैं, लेकिन हम कहें कि पूरे ही बदल दें तो ये ठीक नहीं है। तो आज इसके माध्यम से मैंने बात रखा। और जब हम गोंडी की हम बात करेंगे, गोंडी में जो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे रीलो रीलो रेलो रेलो, वो एक अलग है। तो उस चीज को हमको आज समझना पड़ेगा। अब जैसे हमारे सम्माननीय कंगाली दादाजी के जो गोंडी पुनेम से, ये बहुत खूबसूरत हमारी जो व्यवस्था है, और इन गीतों के माध्यम से हमारे लोगों ने पूरी व्यवस्था को रच दिए हैं। इसलिए हमें कोई ऐसे साहित्य की जो मुझे लगता है कि जरूरत नहीं पड़ा होगा, क्योंकि हर जगह हमारा नेंग सेंग सन्ना हरना सब जगह जो है गीत हैं, और उन गीतों के माध्यम से व्यवस्था का बखान है, और उन्हीं के गीतों के माध्यम से, मतलब जब तक आप अपने गीतों के माध्यम अध्ययन नहीं करेंगे, हम अपनी व्यवस्था को नहीं पकड़ पाएंगे। अब जैसे ये गीत है, दने रे ना रे ना ना रे रे ना रे रे ना रे रे ना रे ना रे ना रो दादा दने रे ना रे ना रे ना रे रे ना रे ना ना रे रे ना रे रे ना दन रे ना रे ना रे ना रो दादा दन रे ना रे ना रे ना कुपड़ लिंगो नी बतल्लाटे तल्लाटे सिंह मोहर साजे माता रो दादा सिंह मोहर साजे माता पूर्व कोट पोए तोर राज मरी मा कोई नोर पुंगारे पुरवाना ज्योतनिवा खा परते जुग मांजो मांजी लातारो दादा सिंह मोहर साजे माता। तो यहां हम गीतों का जो शुरुआत है रेना से करते हैं हम। और गीतों के हम देखें जिसमें
कली कंकाल ही बोलो कुलिया न करो तो अब अभी एक जैसे गाते हैं, हो सकता है मुझे माफी चाहूंगा यदि किसी प्रकार को कोई स्वर कहीं गलत लग जा रहे हैं तो, लेकिन मेरा काम है थोड़ा सा इन चीजों को बतलाना। अब री री न री री लो री लो रो री री लो री लो री री लो री लो रो री री लो री पुलिया न परो सवारी नवा कंकाली दाई पुलिया न परो सवारी पुलिया न परो सवारी नवा कंकाली दाई पुलिया न परो सवारी राहुल वंश याद माले पोयाना याद माल पोयाना याद माल पोयाना गड़गुंडार तमियारी नवा कंकाली दाई पुलिया न परो सवारी। तो सगा जनों, इन गीतों में हमारा पूरा इतिहास है और कैसे हमारे लोग रीलो रीलो रेला रेला से स्टार्टिंग करते हैं। तो आज हमें उस चीज को समझना है, जानना है और आने वाले बच्चों के लिए इन गीतों के बोल और इन इसके अंदर जो हमारा जो संगीत का जो भी किताब है हम लिखें जाने, ये हमारा एक जो गुंडी लोक कला की बात हुई। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुने, समय को देखते हुए मैं अपनी ये जो गुंडी लोक कला है का जो विषय है मैं यहीं पे इसको ये करूंगा और अगला जो मेरा जो विषय है उस पे मैं साठ बात रखूंगा। तो सगाजनों, मैं जो अगला जो विषय रखूंगा उसमें है गोंडगिराम। इस पे थोड़ा सी बात हो सकता है कि ये मेरा जो शब्द है जैसे गिरान शब्द मैंने उठाया है तो इसमें कुछ कैसे हमारे विद्वान हैं कि मैं तिरुमाल वीरेंद्र सिंह भट्टी जी की बात मैं करना चाहूंगा यहाँ पे। वो कैसा आज हमारे बीच में वो हैं और उनका सोच आज कोया पुनेम के लिए एक अमृत समान है। इसमें जो गोंड गिराम की मैंने बात किया है तो उसके पीछे मुझे ये चीज प्रतीत होता है कि जैसे ला से रिलीजन से ला, कुरान से कानून और वेद से विधि, तो मुझे लगता है कि ये जो गिरान शब्द भी है और कुछ एक क्षेत्रों में ये बोला भी जाता है। मैं सुनी बेल्ट की बात करूंगा क्योंकि ये कंफ्यूज ना हो, ये मेरा विचार या मेरा वो नहीं है, कुछ प्रमाणों के साथ इस बात को रखा हूं। और अधिनियम की बात आज हमको करना इसलिए जरूरी है कि उसके बगैर आज हमारी हाल ये है कि हमारे पास बहुत खूबसूरत गाड़ी है लाखों करोड़ रुपए का, लेकिन ब्रेक और स्टीयरिंग नहीं है। अब जिस गाड़ी का ब्रेक और स्टीयरिंग नहीं रहेगा तो वो कहीं भी चलेगा। तो इसलिए लोग आज हम यहां पे हम देश में हर आदमी देख रहा है कि यार ये गाड़ी मेरे तरफ आ जाए,
कोई देख रहा है कि गाड़ी मेरे तरफ आ जाए, सब लगे हैं, सब अपना अपना रास्ता साफ कर रहे हैं कि ये गाड़ी हमारे तरफ आ जाए तो ये गाड़ी हमको मिल जाए। तो वजह क्या है कि आपका जो मेन चीज है उसी को दबा दिया गया, या हम उस पर हमने काम ही नहीं किया, ना हमने मांगा ही नहीं किया। तो आज जो अधिनियम है, कोई भी दुनिया का कोई भी देश बिगर अधिनियम के वो रह ही नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा समाज हो, कितने बड़े देश हो। ये तो कोई तो समाज के व्यवस्था की देन है कि आज हम फिर भी अस्तित्व में हैं। हम धन्य हैं उन पुरखों का कि आज वो हमको कैसे भी करके, चाहे विरोध करे, चाहे इधर करे उधर करे, आज हैं हम। लेकिन आज इसके बाद नहीं चलेगा। तो आज हमको विशेष तरीके से इसके स्टीयरिंग और ब्रेक के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो जाए, क्योंकि ये जब तक बड़ा आंदोलन नहीं होगा तब तक ये चीज आपको नहीं मिलेगा, और इसके बगैर आप अपना अस्तित्व नहीं बचा सकते। तो सगजनों, आज का जो माहौल है, आज का जो दिन है, बहुत अच्छा दिन है, और आज मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मैं अपने अधिनियम पे बात रखूंगा, क्योंकि ये हमारी जो हमारे लोग हैं या हमारा या अन्य लोग हैं, गलती किसकी है कि हमारा सब कुछ होते हुए भी आज हम सामान्य कंगाली दादाजी के किताब में हम देखें सब कुछ है, या हमारा विधि पहले से बना है, जब इनका नहीं बना था 1956-55 में, उसके पहले हमारे पास था, फिर आखिर उसको कानूनी मान्यता या हमारे लोगों ने नहीं दिलवाया, इन्होंने नहीं दिया, एक शोध का विषय है। हम किसी को पर इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन यह बात जरूर है कि इन अधिनियमों के बगैर जो है आपका अस्तित्व नहीं बच सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, आज हम प्रयास कर रहे हैं, हर समुदाय प्रयास कर रहा है कि चाहे वो कोर्ट बिल के रूप में हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तो बोले कलम ना मांगते हुए कि हम हमारे अधिनियम को भारतीय संविधान या कानून में दर्ज करा दें, या मेरा स्वयं का मत है कि यदि इतना भी ना हो तो एक चीज हो कि जो भी गुनाह करता है यदि समाज के फैसले पे के कहने पे उस आदमी को कारावास हो, ये मेरा एक व्यू है इस पे, क्योंकि इतने आजादी के 70 साल हो गए, तो आज हमें हमारे अधिनियमों को दर्ज कराने की आज बहुत आवश्यकता है। इसमें हमारे समाज के ऊपर बहुत से विद्वानों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है लेखों के माध्यम से, और हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर वादी विचारधारा के लोगों ने बहुत खूबसूरत लाइन लिखे हैं, तो मैं उस लाइन को आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा, और जो भी अधिनियम की बात है बहुत साठ में रखूँगा मैं, क्योंकि समय काफ़ी हो चला है। बहुत एक शायद इस
के लाइन के माध्यम से हम सब कुछ समझ सकते हैं। तो लीजिए सगाजनों, विद्वानों का एक साहित्य मेरे पास था, इसी को मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। भारतीय संविधान की 25वें अनुच्छेद के अनुसार ट्राइबल हिंदू धर्म की सीमा से बाहर है। ट्राइब का धर्म मुस्लिम ईसाई धर्म की तरह अलग है। यह पीढ़ियों से केवल उन्हीं परंपराओं के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है। ट्राइबल की जीवन शैली, जीवन जीने की पद्धति पूरी तरह से हिंदुओं की पद्धति से अलग है। उसकी पहचान भी हिंदुओं से अलग है। स्वाभाविक रूप से ट्राइबल का धर्म है, उनकी अपनी अलग पहचान की शुरुआत है। जबकि ट्राइबल समुदाय की पूजा, मतलब हम प्रकृति की पूजा करते हैं या गोंगो करते हैं, स्वाभाविक रूप से जनजातियों का धर्म इस देश का है और उनके अपने गढ़ पंचायतें हैं, अर्थात रिपब्लिकन काउंसिलिंग जो कानून का प्रशासन करता है। स्वतंत्रता के बाद हिंदुओं की सामाजिक पृष्ठभूमि और परंपराओं के आधार पर हिंदू पर्सनल लॉ बनाया गया था, लेकिन ट्राइबल के लिए निजी कानून बनाने के लिए और परंपराएं एवं अच्छे पृष्ठभूमि, जैसे कि इनके जीवन के अलग तरीके, अलग धर्म, अलग भाषा, जनजातियों के परंपराओं के अनुसार न्याय शास्त्र के अलग से विधि पहले से उपलब्ध होने के बावजूद उनके लिए ना तो एक अलग पर्सनल लॉ बनाया गया और ना ही जनजाति की परंपराओं को पवित्र माना गया। ये विद्वानों का मत है और इस मत में मैं 100% शामिल हूं। परिणाम के रूप में उन्हें स्वतंत्र भारत के कानून से दूर रखा गया। जनजातियों को संपूर्ण व्यवस्था कुल यानी कुल देवता है, जो जाति पर आधारित नहीं है और आज भी मौजूद चतुर्वर्ण के दायरे से परे है। प्रकृति की पूजा करने वाला इस समाज में भगवान की अवधारणा नहीं है। इसके व्यवस्था में कोई मूर्ति पूजा या मंदिर की अवधारणा नहीं है। इसलिए हिंदू नेताओं को हमेशा पता है कि जनजाति लोग हमारे धार्मिक सिद्धांतों में कहीं भी फिट नहीं बैठते और उन्हें अलग से एक पहचान देने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यह स्पष्ट है कि वे हिंदू नेता जनजातियों को इस तरह की कोई अलग पहचान देने की अनुमति का इरादा नहीं रखते। जो बात मुझे कहना था इन लाइनों के माध्यम से मैंने कह दिया। तो आज हमें क्या करना है, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और हर हाल में हम अपने अधिनियम को या तो समाज में सशक्त कर ले या फिर हम भारतीय संविधान कानून में दर्ज करा दें, क्योंकि ये मांगने से नहीं मिलेगा। इसलिए जो आपको बार बार ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं ताकि आपको वो अपवित्र कहे कि यार ये कर दिया यार, बोले ऐसा है वैसा है, ये जानबूझ के। मैं एक लाइन पे यहां पे जो है कि आपकी जो व्यवस्था को पवित्र नहीं माना जाता, ये एक दिखावा है। ये कह के जो है आपको एक साबित करना चाहते हैं कि आप लोग कुछ नहीं, इसलिए ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें सक्सेस भी हो रहे हैं, हम मान भी रहे हैं। तो आज हमें जो अधिनियमों के बारे में, क्योंकि हम सब कुछ जाने, यदि अधिनियम को ना जाने और इन्हीं अधिनियमों को नहीं जानने की वजह से आज समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य, हमारा जो जनजाति ट्राइबल समुदाय का सदस्य है, वो कुछ भी कदम उठा रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि जो
परमाणु के साथ हमारे पुनसाय दादा मोतीराम कंगाली जी के किताबों से भी हम उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज हमारे जो अधिनियम है उस अधिनियम का नाम क्या हो? और दूसरी बड़ी बात है, समस्त जनजातियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धर्म से के आधार के लिए जो जरूरत सांस्कृतिक उसकी जो मूल्य है यदि समस्त जनजातियों के पास है, बात उसकी नहीं है कि हम ज्यादा हो गए कम हो गए, बात उसकी नहीं, हम सब एक हैं। हम भली हमारी भाषा हमारी संस्कृति अलग हो सकती है, लेकिन बाबा साहब ने इस संविधान के जो 366 के 25 अनुच्छेद में स्पष्ट कहते हैं ट्राइबल या शेड्यूल ट्राइब्स या हिंदी में हम उनके अनुसूचित जनजाति, यानी उसको हम ऐसे समझें कि जन मतलब लोगों के जाति, मतलब यदि हम जनों की बात करें तो हम जन कितने हैं, यदि हम एक करें तो कम कम 750 हैं या 2500, इतने लोगों की एक ही जाति बोल रहा है, तो फिर हम एक अलग अलग जाति बना रहे कि नहीं, वो जाति वो फलाना जाति में बैगा जाति में गोंड जाति, हम जाति के दायरे नहीं, हम सबके सब मतलब उपजातियां हैं, हमारी सब एक ही कौल ये है। मतलब ये भारतीय संविधान के हिसाब से मैं अपनी बात को रख रहा हूं कि उन्होंने जो हमें जो पहचान दिया इतना तो कर दिए कि हमें एक पहचान दिया अनुसूचित जनजाति, अब हमको वर्गीकृत कि आप हो कौन। तो जब हम सभी उपजातियां हैं तो हमारी अपनी जाति को भी हमको ढूंढना पड़ेगा, चाहे हो सकता है कि वो संथाली हो सकता है कि वो गोंड हो सकता है कोइतुर हो सकता है कोया हो। तो आज हमें इसकी जरूरत है, हम संख्या बल पर नहीं, मतलब हमारे तथ्यों के आधार पर, यदि धर्म की अवधारणा यदि उस समुदाय में है तो बिल्कुल हम सामने लाएंगे, बात अकेले की बात नहीं है कि उसके जन्म के विवाह के मृत्यु के क्या सिद्धांत है। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कुछ भी भाषा अलग अलग हो सकते हैं, संस्कृति अलग हो सकते हैं, हमारे नाचने गाने के तौर तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हम हमारा जन्म विवाह और मृत्यु के सिद्धांत एक हैं, इसीलिए जो है हमें एक ट्राइबल कानून या रूढ़ी प्रथा को जो है एक मान्यता अप्रत्यक्ष तरीके से प्रत्यक्ष तरीके से दोनों तरीके से दिया गया है। इसलिए आपको जो है इस देश में हम चाहें तो जो अधिकार दिए पांचवी छठी अनुसूची के तहत हम अपने न्यायालय खोल सकते हैं, लेकिन चले ठीक है न खोलें, हम भारतीय संविधान के ऊपर टिके हैं कि वो हमें हमारे अधिनियमों को दर्ज कराए। तो आज हमको सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हमारी व्यवस्था का यदि धर्म की अवधारणा है कि धर्म के लिए जो जरूरी चीजें हैं उस धर्म का नाम उसमें क्या प्रामाणिकता है, ये चीज अपन बात करेंगे तब होगा। अपन बोल दे नहीं यार बोले हम इतना लिखाएं, उससे नहीं, हम कलम नहीं, हम तो सीधी सी बात है कि आप इस धर्म को जो है आप हमारे जो अधिनियम को दर्ज कीजिए, हम ये कर सकते हैं आपस में मिलकर, क्योंकि हम सबके साथ हम जाति में, हमको आज हम थोड़ा सा जाति में कह के हम जाति के दायरे में आ गए हैं, हम जाति के दायरे में है ही नहीं, तो हम जाति में हम क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? तो आज हमें एक विशेष इस मंच के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम आपस में बैठ के अपने धर्म से संबंधित जो भी साहित्य है उसके माध्यम से अपन लाएं, और यदि हम सब बैठ के करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं तो आपको भी नहीं लगेगा ना हमको भी नहीं मिलेगा, और हमारे आने वाले बच्चों के लिए जरूरी है कि हमारा अधिनियम दर्ज हो। दूसरा तो चाह ही नहीं रहा है,
तो उनके ऊपर क्यों हम आपस में ये करें? क्योंकि ये आज जो सबसे बड़ी बात है कि आज हम कुछ भी हम कितना भी बात कर ले, यहां पे बड़े बड़े संविधान की बात कर लें, लेकिन जो कानून कहां बनता है? कानून तो लोकसभा और विधानसभा में बनता है ना, और वहां बोलने वाले आपके आदमी नहीं है। हम कितना भी कर लें कुछ नहीं होना है। जो हमारा जो एक हमारा जो यदि हमारा जो जनप्रतिनिधि बोल दिया तो बोल दिया, क्योंकि वही उसी को फाइनल माना जाएगा। अरे चीज हो रहा है 70 साल में, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा व्यक्तिगत तरीके से, कुछ एक हमारे नेताओं ने प्रयास किया, चलिए फिर हम प्रयास करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। तो जो गुंडी व्यवस्थाएं हैं उस पर मैं बहुत साथ में बात करूंगा। जो हमारी रीति नीति है, नियम है, जो अधिनियम है, ये गोंडी की तरफ से मैं एक बहुत साथ में रखूंगा इसको, जिससे समाज की जो व्यवस्था है, जो संरचना है, वो 1 से लेकर 12 देव पे है। लेकिन जो खासकर दो ही व्यवस्था, मतलब हम कहें उसको एक पिता की जो पहचान है, 4 पिताओं की जो पहचान है अपने समाज में, हम उसको एज ए आज की भाषा में डीएनए कह सकते हैं, एक पाड़ी की अपन बात करते हैं। लेकिन जो मूलतः 4 से लेकर 7 तक की विशेष हैं, जिसमें आज भी हमारे समाज में इनका वो चीज आता है, फिर ये हमारी एक सामाजिक व्यवस्था है। इसके लिए बृहद हम सम्माननीय भूतरण कंगल जी की किताब का अध्ययन कर सकते हैं, और भी हमारे जो विद्वानों ने किताब लिखे हैं। वैवाहिक संबंध की बात करते हैं कि समसम गोत्रों में नहीं होना है, और भी और यदि कोई समसम गोत्र में करता है तो उसमें कानूनी जो हमारा प्रावधान है, क्योंकि हमारे इसमें कोई मारना पीटना ये सब नहीं है। कि जब हम गोंदाला में थे, एक इकट्ठे रहते थे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आज जो परिस्थितियां अलग हैं तो आज हमें बहुत दिक्कत है। उसका मर्ती जी की जीती खा के परंपराओं से अलग कर दिया जाता है। यदि समसम सेम देव में यदि शादी कर ले, तब की बात कर रहा हूं। और ये जो अधिनियम है ये 1942 में भी हुए, इनकी चर्चा अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा ने भी इन पॉइंटों को उठाए। अंतर जाति जो विवाह वर्जित है, यदि कोई करता है तो वह दंड का हकदार हो सकता है, क्यों नहीं है, यह हमारा विसर से सोत का है। क्योंकि हर समाज का ये कानून है, ये हमारे कानून नहीं कि हम सुन के हम अगबक आ रहे हैं। आप हिंदू एक भी देखेंगे, मुस्लिम एक भी देखेंगे, तो सब है ही कि ऐसा बहुत से लोग बोल रहे हैं, अरे ऐसा नहीं होता। ये जो बात है मैं प्रमाणों के साथ हमारे जो विद्वानों ने जो लिखा है उसी को मैं यहां पे रख रहा हूं, साठ में रख रहा हूं। अन्य समाजों के लड़के बच्चों से भी शारीरिक संबंध बनाना ये भी वर्जित है। यदि कोई अंतरजाति विवाह करता है कोई सदस्य, तो उसका समाज मरती जीती खा लेता है, क्योंकि मारना पीटना या किसी प्रकार का कोई प्रताड़ित करना ये हमारी इसमें नहीं है। और हमारा जो है कि हम परंपराओं से उसको अलग कर देते हैं। ये तो चीज हो गया कि आज यदि ऐसा कोई होता है अन्य धर्मों के अधिनियमों के तहत कि उनको 6 साल साल भर या 7-10 साल का सजा हो जाता है, कारावास का प्रावधान हो, हम तो सिर्फ इतना चीज करके चलो ठीक है जी। और भी हम विवाह के नियम की अपन बात करते हैं, मड़मिंग नहीं की हम बात करते हैं। लड़के लड़कियों के लिए जो उम्र दिया गया है वो 18 से 20 वर्ष है। यदि किसी कारणवश
कम इस जो बंदे इसके अंदर हो जाता है तो उसको गौना या बरोना सियाना के नेंग में रखते हैं कि जब तक वो 18-20 की नहीं हो जाती तब तक जो है उसको गौनों में रखा जाता है और उसके बाद जो है उसको घर पहुंचा दिया जाता है। ये हमारे जो नियम अधिनियम है उसकी अपन बात कर रहे हैं। और हमारे समाज में लड़की की मतलब लड़के की तलाश नहीं की जाती, क्योंकि हमारे इसमें क्या है, एक कुल वधु की व्यवस्था है। कुल वधु से मैं थोड़ा सा यहां पर बात रखूंगा। कुल वधु यानी जैसे रानी चीटी, रानी दीमी, रानी दीमक, रानी मधुमक्खी, क्योंकि इन्हीं तीन व्यवस्थाओं के ऊपर पूरा ट्राइबल या गुंडी समाज है वो आज की डेट में अस्तित्व में बचा है, एक शोध का विषय है। रिश्ता तय होने के बाद रिश्ता तोड़ना, इसमें भी सामाजिक दंड का प्रावधान है। और हमारे इसमें लड़की बरात है, ये अपने तरफ से आज हम क्या कर रहे हैं उस पर बात नहीं है, जो हमारी व्यवस्था है, जो विद्वानों ने, हमारे जो जानकारों ने जो लिखा है उसी को मैं रख रहा हूं। और इस दौरान जो लड़की वाले के यहां लड़का के माध्यम से खर्ची को दे पहुंचा दिया जाता था पूरा उसका, यहां तक उसके साथ बिस्टियां भी भेजाते थे और वहां का पूरा बिस्टी जो है वहां का पूरा काम करके उसको जो है सात सम्मान जो है अपना जो लड़के के यहां लेके आते थे, ये हमारी व्यवस्था रही। और खाम या मुंडा का जो फेरे लगाना वो भी प्रकृति के व्यवस्था के साथ। इस प्रकार है, यदि पति खत्म हो जाए तब भी उस घर की कुल वो कुल वधु बनी ही रहेगी, यानी कोई भी जो विवाह के दौरान ऐसा होता है और वहां की जो पैतृक संपत्ति पे उसका अधिकार वो जब तक जी तब तक उपयोग कर सकती है, ये हमारे इसमें आज भी है। क्योंकि हमारे इसमें लड़की को पिता के संपत्ति पे अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको पूरा जो अधिकार है वो अपना जहां शादी होगी वहां के उस पैतृक जमीन पे। इसके पीछे बहुत कारण है जो हम कभी और चर्चा करेंगे। और जैसे लड़की यदि वहां उस घर का यदि पति जिसकी पति खत्म हो जाए तो देवर के लिए भी उस वधू के मर्जी पूछकर देवर के लिए चूड़ी खिनवा पहना दिया जाता है। आज के डेट में थोड़ा सा अलग लगेगा लेकिन मानवता के नजरिए से देखेंगे और भी ऊंचे समाजों को तो ये सब सारी चीजें हमारे लिए बहुत आज के डेट में महत्वपूर्ण है। पाट लगाने की व्यवस्था है, यदि ठीक है वहां पे, यदि घर में वधु को पसंद नहीं आया उसी परिवार में और है या उसी सगोत्र और कोई है वहां भी है वो विवाह पाट की व्यवस्था लगा सकते हैं। ये हमारा एक मड़मिंग है जिसमें तीन मुख्य मड़मिंग की अपन बात करते हैं, लमझेयाड़, पाटेकार और कोड़ियार मड़मिंग की। तो ये तीन व्यवस्था हमारे विवाह की बात आती है। और भी बातें आती हैं जैसे रिसर्चों में जो रूढ़िजन संहिता में तो करीब 55-56 प्रकार के विवाहों को देख रहे हैं इसमें, लेकिन तीन हमारा यही चीजें हैं। यानी यदि पति खत्म हो गया तो उसको यदि प्रताड़ित कोई करता है वधु को उसमें बहुत बड़ा अपराध है और उसको जो है बहुत बड़ा जो है अपराध मतलब दंड दिया जाता है यदि ऐसा कोई करता है। लमझेयाड़ मड़मिंग की हम बात करते हैं कि यदि लड़की है तो लड़का को हम घर में बुला के लमस ना रख लेते हैं
और उसके बाद जब योग हो जाते हैं, वो संभालने लायक हो जाता है, तो अपन मडमिंग कर देते हैं। ये हमारी व्यवस्था रही है। और किसी विवाहित स्त्री को छोड़ना अपराध है, वह दंड का अधिकार होता है। किसी भी वधु को जिस पर घर में कुल देवता में शामिल किया गया, मतलब जिनकी मड़मिंग हुई, जो मड़भावे हुए हैं, जिस खाम का मड़भावे हुए, जिस पेन पट्टा का हम मड़भावे किए हैं, और भली मड़भावे करके वो भली किसी के दूसरे पति के पास भी चली गई, यदि उसका जो कुंडा जो नेम है वो हमारे उस जहां पे वो मड़भावे किए वहीं पे आके मिले, ये व्यवस्था आज इनका धन की जरूरत है हमें। तो सगाजनों, इस टाइप का जो हमारा जो अधिनियम है, विवाह विच्छेदन की रस्में है, पति पत्नी को चरित्र दोष होने पर, लेकिन इसके लिए पंचायत से आपको अनुमति लेना पड़ेगा, पंचायत बिठाना पड़ेगा। पत्नी कुलवधु होती है, संतान नहीं होने पर पहली पत्नी के नहीं होने पर भी उसको विच्छेदन नहीं कर सकते, बल्कि यदि पत्नी चाहती है कि ये संतान के लिए दूसरी शादी कर ले, तो उस पत्नी उस वधु के परमिशन के बगैर वो शादी नहीं कर सकती। हम भरण पोषण की अपन बात करें, हल्के हल्के बात करते हैं। पति के मरण उपरांत पति को परिवार के अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं, वो बेच ही नहीं सकता, बेचेगा तो पूरा मतलब वो जब तक जीवित रहेगी तब तक जो है उसका अपना जो ससुराल का जो है वो जो भी है वो सबको उपयोग कर सकती है। यदि पत्नी अपने ब्याहता पति को छोड़कर दूसरे पति से संबंध स्थापित करती है, तो उसे पति के संपत्ति को उपयोग करने के अधिकार से वंचित हो जाती है। कहीं ना कहीं समाज को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजों को तो बनाना पड़ेगा, चाहे दुनिया हो कोई भी। आज हम इस देश का संविधान की बात करें, कानून की बात करें, सब है इसमें, वो चीज नहीं। पुरुष के अचल संपत्ति परिवार के सदस्यों के अनुमति के बगैर वो नहीं बेच सकता। मृतक पुरुष के उत्तराधिकारी के वरीयता बड़े लड़का को जेठ से जमीन देके अन्य के जो है हिस्सा बंटवारा वो किया जाता है। यदि मृतक की संतान लड़की हो तो उसे जीवन भर उस पैतृक संपत्ति का उपयोग कर सकती है, और उसे मरने उपरांत संपत्ति उस कुल के अन्य सदस्यों को चली जाती है। अगला हम पॉइंट देखें पुनेम परिवर्तन के संदर्भ में, कि धर्म परिवर्तन करने वाले को पैतृक संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं है। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों का मरती जीती खा लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है और वो पुनः समाज में वापस आता है, तो शर्तों के हिसाब से समाज उसको वापस ले लेता है। अभिव्यक्त संपत्ति के जो उत्तराधिकारी हैं, जैसे देवालय हैं, ये अभिव्यक्त रहते हैं, इनको विभाजित नहीं किया जाता, किसी योग्य व्यक्ति को यहाँ पे इसका जिम्मा सौंप दिया जाता है और पूरा समाज पूरा परिवार उसको रेख देख करता है। धन तन धन तथा विवाह में संरक्षकों की वरीयता है। दूध पीता बच्चा माँ के संरक्षण में होता है और उसके बाद पिता या दादा के संरक्षण पे होता है। यदि बालक अज्ञान है तो उसके धन की सुरक्षा चाचा दादा या उस परिवार के पुरुषों का उत्तरदायित्व होता है। हम
आगे बात करते हैं हमारे, मैं ये बहुत शॉर्टली रख रहा हूँ क्योंकि ये इतना बड़ा विषय है, तो जो मुख्य मुख्य पॉइंटों पे मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, यदि इस दौरान कोई मिस्टेक होता है तो माफ़ी चाहूँगा, और यदि इसके लिए विशेष हम हमारे जो विद्वानों ने जो इस अधिनियम के लिए अपनी जो लेख लिखे हैं उसको हम पढ़ सकते हैं, मैं मतलब सम्मानित कंगाली जी जो हमारे विद्वान हैं उनका जो इसमें ये सब ऐसे दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। ये है हमारा जो कोड़ा एतिना, मतलब गोद लेना। हम किसको गोद ले सकते हैं? गोंड समुदाय संतान विहीन व्यक्ति परिवार के किसी लड़के या लड़के को गोद ले सकता है। इसी प्रकार स्त्री भी उसी परिवार के किसी सदस्य के बच्चे को गोद ले सकती है। यदि परिवार में लड़के नहीं है तब समगोत्री पुत्र को सगा समुदाय के पंचों के सामने गोद ले सकते हैं, मतलब सेम गोद पे। अब ये तो हमारी एक व्यवस्था हुआ, लेकिन अपने समाज के समस्याओं का समाधान के लिए ये हमारे लोग ने आज नहीं, जो न्यायिक व्यवस्था हमारा तो बहुत पहले से, ये तो अभी इसका थोड़ा सा रूप चेंज हो गया है, ये व्यवस्था आज से नहीं, जब सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करते हैं तो वहां से भी सारी चीजें हैं। तो आज सगा सामुदायिक जो पंचायत व्यवस्था है कि किसी सामाजिक समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे, क्योंकि समाज के अंदर ऐसे बहुत से जटिल व्यवस्थाएं हैं, उन जटिल व्यवस्थाओं को हम हल करने के तरीके भी हमने निकाला है। हमने तागड़िया रोनो की स्थापना की है कि जैसे कोई समस्या है यदि गांव में नहीं सुलझ सकता वो, तो उस दूसरा पंचायत होता है मुंडेदार पंचायत। मुंडेदार पंचायत में 12 गांव के सियान लोग आएंगे और वहां पे वो फैसला होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, मुंडेदार पंचायत की बात कर रहे हैं। फिर तीसरा, यदि वहां वो समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम कहेंगे गढ़ा पंचायत। ये गढ़ा पंचायत मतलब गढ़ सियानों के द्वारा होता है, तो गढ़ा पंचायत में कितने 40 गांव के लोग रहेंगे, तो 40 गांव के लोग का एक बहुत बड़ा, भले एक दो लोग आए, तीन लोग आए या मुकुड़दम ही आए, उस परिवार का, उस गांव का मुखिया या बड़े बड़े सियान आए, इतने लोग मिलके जो है उस समस्या का जो सामाजिक समस्या का जो है समाधान इस न्याय प्रक्रिया के माध्यम से कर लेते। और इसमें भी यदि नहीं हुआ तो एक और बड़ा हमारा जो तागड़ियाल रोन है जिसे राज पंचायत के नाम से जाना जाता है, राज मतलब कि हमारे जो गढ़ व्यवस्था, जो हमारा जो कोया की व्यवस्था रही है, खाली राज हम ये एक नाम आ गया है कि हमारी जो कोया की व्यवस्था है, तो जहां राज पंचायत की बात आती है तो वहां राज सियान गढ़ पंचायतों द्वारा जो है उस समस्या का समाधान होता है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो सगाजनों और इन जो जो भी हमारा जो पंचायत बैठेगा इसमें, इन सभी पंचायत में सिर्फ गोंड समुदाय के ही सदस्य होंगे, ये हमारी एक सामाजिक व्यवस्था का मैं एक हल्का सा प्रकाश डाला है। बृहत तो बहुत है लेकिन आज ये कह के मैं हमारे जो बच्चे हैं या आने वाले जो बच्चे हैं जो भी हैं उनके दिमाग में एक इसको हम कैसे अपने अधिनियम को दर्ज कराएं, क्योंकि आज हमारे लिए पहली जो समस्या बनी हुई है, यही इन्हीं पंचायतों
इन्हीं समस्या हमारा जो गोंड गिरान है, मैं अपनी गोंड गिरान बहुत सकता है कि कोई विद्वान इसको और कुछ बोले, यदि मुझसे भी इसे सत्य पे है, मैं एक रूढ़ी अधिनियम या गोंडी अधिनियम की बात कर रहा हूं। गोंडवाना गोंड महासभा का छठवां अधिवेशन नैनपुर में हुआ 1945 में, इसमें भी जो है इन अधिनियम की बात हुई, यानी 1945 में हुआ तो फिर 1956 में हमारे तरफ क्यों नहीं देखे, जबकि ये विधेयक आज भी बना हुआ है। और एक हमारे जो श्रीमंत राजे धर्मराव आतराम जमींदार अहेरी का अध्यक्षीय भाषण, इसमें भी अपनी उस बात को रखा। और एक और विशेषज्ञ गोंडी धर्म के महान सूत्रधार चांदागढ़ के राजा यादव शाह आतराम द्वारा सन 1931 में आयोजित गोंडी पुनियम सम्मेलन रखा गया। तो सगाजनों यही बात हमें, आखिर गलती कहां हुई? क्या आपसी उपजाति संघर्ष में हम पिस रहे हैं या अन्य विरोधियों के माध्यम से हम हमारे अधिनियम को हम वहां तक बात नहीं पहुंचा रहे हैं? क्योंकि दुनिया का कोई भी जो, यदि हम आज ट्राइब्स हैं या इंडिजिनियस हैं, तो हमको जो खास जो प्रावधान मतलब देशों ने दिया है, उसके पीछे उन्होंने एक लाइन लिखा है कि आपको हक अधिकार दिया जाता है, बशर्ते कि उस देश की मूल ढांचा को प्रभावित ना करता हो। यदि मूल ढांचा को प्रभावित करेगा तो दिक्कत है, आपको वो चीज जो है आपको हटाना पड़ेगा। जैसे आज जाति से अलग करना या समाज से बाहर करना, ये इस देश में कानून बना है, और यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित है कि हम फंसेंगे। तो आपको इन बारे में सोचना है कि आखिर हमको करना क्या है, क्योंकि शब्दों के उपयोग की बात है। तो सगाजन में कोई मतलब ज्ञान का वो चीज नहीं हूं, फिर भी मैंने रखने का थोड़ा सा जरूरत किया है, और इस दौरान हो सकता है कि मैं अपनी बात को रखने में चूक हो गई हो, तो मैं माफी चाहूंगा। और देश देश से समस्त गुणवान भूभाग से जो मुझे सुनने वाले आप लोगों का स्नेह और प्यार ऐसी बना रहे, और एक छोटा सा सिपाही हूं लेकिन कभी कभी हमें आज मिलके अपनी व्यवस्था को बचाना है, और आज यह अच्छा दिन है, और आज से ही मतलब पूरी तरह से यदि कोई कुरूतियाँ किसी अन्य धर्म के जो कुरूतियाँ यदि अपने घरों में हैं, तो आज अच्छा दिन है, बिल्कुल उनको बाहर करें, चाहे हमारी पहचान के रूप में हो या अन्य चीज़ों के माध्यम से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक नाव में सवार होना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी आपका मुखबिरी करता है कि आपके घर में आप क्या मानते हो, तो कोई छुपा ही नहीं है। तो हम ऐसे समाज इतना बड़ा महान कोचुड़न व्यवस्था के हम लोग सदस्य हैं, और ऐसे महान ट्राइब्स या जनजाति को हम बिलोंग करते हैं, तो हमारी एक मर्यादा हो और अपनी परंपराओं का पालन करें, किसी का धर्म का विशेष में हम टांगे ना अड़ाएं और ना उसमें दिमाग लगाएं, आप अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाएं, बस यही हमारा एक संदेश है। और ये लास्ट है इसमें, और मैं कुछ समय और लूंगा, उसके बाद मैं अपनी वाणी को
विराम दूंगा और इसमें एक और एक मैं भोपाल की तरफ से कुछ गीत जो हैं मैं सुनाना चाहूँगा। बस उसके बाद मेरा अंतिम है। कोया दड़ो दाले इंगे दाले ना उड़ीले दाले भोपाल, कोया दड़ो दाले इंगे दाले ना उड़ीले दाले भोपाल। एमपी ता राजधानी सलाम ता किला, एमपी ता राजधानी सलाम ता किला, बाहुन है इद जिला उड़ीले दाले भोपाल। इंगे दाले ना हाँ दाले ना उड़ीले दाले भोपाल, इंगे दाले ना हाँ दाले ना उड़ीले दाले भोपाल। कमलापति रानी ना ये रूंगा टारी, भोपाल साहब पोया ना बजुर चिन्हारी, अनी हुड़ी ले झीलो नताल, हुड़ी ले दाले भोपाल। इंगे दाले ना हाँ दाले ना हुड़ी ले दाले भोपाल, इंगे दाले ना हाँ दाले ना हुड़ी ले दाले भोपाल। तो सगाजनों बहुत सी गीते हैं लेकिन मैंने जो अपनी बात रखा और कमेंट्स आए होंगे लेकिन एक समय अभाव में मुझे जो भी है यदि मुझसे किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो बात रखने में तो क्षमा चाहूँगा। मैं अपनी गलतियों को हमेशा सुधारते रहूँगा क्योंकि दुनिया के विद्वान आप मुझे देख रहे हैं और समाज के प्रबुद्ध और धर्म जैसी प्रबुद्ध लोगों से मैं क्षमा चाहूँगा किसी प्रकार की कोई गलती हो। और हमारे जो खास एक संदेश मैं देना चाहूँगा कि जो सेंधवी दीदी का जो हमारे पास जो भी मैटर है हमारे पुनसाए दादा कंगाली जी के जाने के बाद हमारे बीच में सलामी जी अमरावती से प्रकाश सलामी जी वो संभाले हैं तो हम उनसे जो भी है सेंधवी लिपि के बारे में जाने सोचे समझें और हमें एक समाज को हमारे बच्चों को नई दिशा देना है, बच्चों को सुरक्षित कर बच्चों के लिए ऐसा छतरी बना के जाएंगे कि जैसे बड़े बड़े मुगल आए बड़े बड़े लोग आए लेकिन गोंडवाना की तरफ आंख उठा के नहीं देखते थे तो वो छतरी हमको तैयार करके हमारे बच्चों को देना है। बस इसमें हमारी भूमिका थोड़ा हो जाए तो बस यही एक उद्देश्य है। और सगाजनों एक महत्वपूर्ण जो हमारा जो पाबू नारा है 9 अगस्त मतलब कोई तुर दिवस कोई मूलवासी दिवस कई तरीके से बोलते हैं जो वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे की मैं बात कर रहा हूँ वो उसकी मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि खूब मनाएं उसको और अपनी परंपराओं को शो करें। जो भी आप परंपराएं हमारे समुदाय का वो हम इसमें लोट करें, हम नाचें सब कुछ करें क्योंकि एक बहुत बड़ा उत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें जुड़ने का मौका हमको मिल रहा है तो हम प्रयास ये करें कि क्योंकि शब्दों का दुनिया में खेल है और यदि कोई सॉफ्टवेयर यदि कोई शब्द है तो वो सब उस पर चलता है। यदि हम जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ जो हमें एक मौका दिया है उसमें हम इकट्ठे हों और अपनी परंपराओं का संरक्षण श्रवण करें और यही शो करें हम अपनी परंपरागत। इस बार तो ये COVID-19 के वजह से थोड़ा सा दिक्कत है और इससे भी बचें क्योंकि यह सुरक्षा हमारा जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। किसी प्रकार का कोई ये हो ठीक है अपने घर में मनाएं, कम लोगों पे मनाएं और जो भारत सरकार के दिशा निर्देशों को पालन करें और स्वयं की सुरक्षा हम लें और
पुनः मैं अपनी बातों को यही विराम दूंगा और समस्त कोई अभी डार जिन्होंने इतने समय से मुझे सुन रहे हैं, काफी समय हो गया, मुझे भी पता नहीं चला कि मैं कितना बोला हूं। मैं आपका तहदिल धन्यवाद करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे गुणवाना दर्शन के संपादक मंडल कि उन्होंने एक नाचीज को इस महान मंच पे बोलने का मौका मिला दिए। मैं उनका दिल तहदिल शुक्रिया अदा करता हूं और समस्त हमारे जो नेगी हैं उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं तहदिल सबका आपका प्यार आपका स्नेह पाकर मैं गदगद होता हूं हो रहा हूं और मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी को मेरा सेवा जोहार सेवा।